श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सौ आठ दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरु श्री उत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघन अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताय गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको
सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 103वां दिवस है और आज 103वें दिवस में एक दिवसीय मनोरथी यजमान हमारी वैष्णव माता जी, जिनको सब दर्शन माता जी कहते हैं, वे लुधियाना से हैं और अपने यहाँ बड़े बाबा जी के चरण कमलों के ही आश्रित हैं, श्री गौर कृपा धाम के ही परिकर हैं और खूब प्रेम पूर्वक साधना में लगी हैं। आपके यहाँ इस बार कार्तिक मास में कथा भी थी, भागवत जी थी, पर बाह्य परिस्थितियों के कारण वह कथा कुछ समय के लिए आगे स्थगित हो गई है, लेकिन आपका बहुत मनोरथ था कि कार्तिक में सत्संग हो। चूँकि सारे मास ही ठाकुर जी के हैं, पर कुछ मास जो अति विशेष हैं उनमें सर्वोपरि कार्तिक हैं, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं। इसी मास में यशोदा जी ने ठाकुर जी को उखल से दाम के द्वारा अर्थात रस्सी के द्वारा बांधा, तो दाम को उदर पे बांधा गया, इसलिए श्री कृष्ण दामोदर कहलाए और यह मास दामोदर मास कहलाया। तुलसी जी के आविर्भाव का तो है ही, तुलसी जी शालिग्राम के विवाह मनोरथ का मास तो है ही, दीपावली अन्नकूट जैसे उत्सवों का मास, गोमाता के प्रागट्य की तिथि, ठाकुर जी के गोचारण की तिथि और फिर सर्वोपरि इसी मास में श्री वृंदावन का प्रकाश हुआ, जब स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन कार्तिक पूर्णिमा को पधारे। सैकड़ों वर्षों से प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन महोत्सव, वृंदावन प्रकाश महोत्सव अनंत कोटि वैष्णव भक्तों के द्वारा मनाया जाता है, तो इस मास की तो जाने कितनी महिमा है। श्री राधा कुंड का प्राकट्य इसी मास में है, इस मास की महिमा गाएं तो एक अलग कथा हो जाए। तो इन्हीं कार्तिक मास में हमारी दर्शन माता जी का मनोरथ था, पर उस रूप में लुधियाना में कथा रूप में भले कुछ समय के लिए वो आगे स्थगित हुआ हो, पर फिर आपके मन में विचार रहा कि 108 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा में एक दिन का मनोरथ हो तो कम से कम ये भावना पूरी हो जाए कि कार्तिक मास में एक दिन का उत्सव तो हुआ। तो आज लुधियाना से दर्शन माता जी विशेष रूप से मनोरथी हैं अपने परिवार के साथ, और आज हम श्री नरोत्तम ठाकुर जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। भक्ति जगत में शायद ही कोई ऐसा वैष्णव हो जो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज के नाम से परिचित न हो। कल हमने
श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी का चरित्र श्रवण किया था और ये बात श्रवण की थी कि तीनों प्रभु माने श्री गौरांग महाप्रभु जी और गौरांग महाप्रभु जी के दोनों अभिन्न स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी और श्री अद्वैत प्रभु जी। तो तीनों प्रभु अपनी लीला अंतर ध्यान करने के समय पुनः तीन आवेशों के रूप में प्रकट हुए, या ये कहिए कि महाप्रभु जी ने गौर रूप में श्याम सुंदर ने राधा प्रेम का स्वादन किया, लेकिन वही गौर आवेश रूप में निवासाचार्य प्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, तब निवासाचार्य प्रभु जी के रूप में गौर ने अपनी माधुरी का अर्थात युगल माधुरी का स्वादन किया। तो महाप्रभु जी के साक्षात आवेश निवासाचार्य प्रभु जी हैं, ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जी के साक्षात आवेश श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज हैं। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र तो हम श्रवण करेंगे ही, पर सारे भक्त समाज में श्री नरोत्तम ठाकुर जी सबसे अधिक विख्यात अपने दो ग्रंथों की वजह से हैं। सबसे अधिक शायद किसी को पूरे चरित्र का ज्ञान न हो, लेकिन नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये दो ग्रंथ नरोत्तम ठाकुर जी के ऐसे हैं कि प्रत्येक श्री राधा कृष्ण युगल उपासकों को इन दोनों ग्रंथों का केवल एक बार नहीं अपने भजनांग के रूप में प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अपने प्रतिदिन के भजन में श्री नरोत्तम प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका को जोड़ना चाहिए। एक बार एक सिद्ध संत से एक साधक ने पूछा कि महाराज प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो उन सिद्ध संत ने यही कहा, अरे प्रेमा भक्ति पाना तो बहुत सहज है, क्या करें। उस समय की बात, बोले दो आने में मिलती है प्रेमा भक्ति तो। बोले कैसे, बोले एक आने की नरोत्तम प्रार्थना ले आओ और एक आने की प्रेम भक्ति चंद्रिका ले आओ, दोनों ग्रंथों का प्रतिदिन पाठ करो। हमारे ब्रज के सिद्ध महापुरुषों ने जिम्मेवारी ली है कि प्रेम भक्ति चित्त के भीतर उदय होगी, उदय होगी, उदय होगी। स्वयं हमारे बड़े बाबा जी महाराज, उनको अयोध्या में उनके गुरुदेव ने उपदेश दिया और उपदेश देते समय जब ग्रंथ पाठ के लिए प्रार्थना की बड़े बाबा जी महाराज ने, तो चार ग्रंथ की आज्ञा की। उसमें प्रथम तो श्री कविराज गोस्वामी जी के श्री चैतन्य चरितामृत, दूसरे प्रेमानंद ठाकुर जी की मनः शिक्षा, और दो ग्रंथ श्री नरोत्तम ठाकुर जी के नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इन दो ग्रंथों की महिमा से, या ऐसे ग्रंथ श्री नरोत्तम ठाकुर जी के द्वारा ये प्रकट हुए कि दिग दिगांतर में श्री नरोत्तम ठाकुर जी की कीर्ति प्रकाशित है, और इन ग्रंथों की महिमा ये है कि इन ग्रंथों में एक भक्त हृदय की सच्ची आर्त है।
प्रेम भक्ति चंद्रिका में सिद्धांत पक्ष अधिक है, लेकिन नरोत्तम प्रार्थना में तो नाम ही प्रार्थना है, जहां केवल केवल सेवा की अभिलाषा की गई है। और एक यथार्थ वैष्णव कैसा होता है, एक ठीक रीति से जब भजन किया जाता है तो चित्त की स्थिति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव के हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए कैसी आर्त पैदा होती है, उस आर्त का, उस विरह का अनुभव दर्शन श्री नरोत्तम प्रार्थना के पाठ से होता है। तो जिन्होंने श्री नरोत्तम प्रार्थना और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ वैष्णव जगत को प्रदान किए, आज भी जिन ग्रंथों का संबल लेकर के श्यामा श्याम की प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर भक्त लोग अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु जी के ही द्वितीय स्वरूप श्री नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र को हम लोग श्रवण करेंगे। बंधुओं, इन नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म पूर्व बंगाल के गडेर हाट, जिसको गरान हाटी परगना भी कहा जाता है, उसके खेतुरी ग्राम में पद्मा नदी से 1 मील की दूरी पर ये एक छोटा सा राज्य है। और इस राज्य के गडेर हाट परगना इस क्षेत्र के राजा थे राड़िय कायस्थ वंश में उत्पन्न राजा श्री कृष्णानंद जी दत्त। इन कृष्णानंद दत्त जी के ही यहां पर विक्रम संवत 1585 में माघ पूर्णिमा के दिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ये ठाकुर की उपाधि तो बाद में जीव गोस्वामी जी ने दी है, पर बाकी माता पिता ने नाम ही रखा था नरोत्तम, लेकिन प्यार से वे उनको नरू पुकारते थे। और ये जो नाम रखा गया नरोत्तम, ये अनुचित नहीं था, सब प्रकार से उचित था, क्योंकि नरों में उत्तम तो वही है ना जो उस परम पुरुष की आराधना करे। और यदि नर नारी का शरीर पाके भी ही केवल वही काम किए जो पशु पक्षी भी करते हैं, तब तो वो नरोत्तम नहीं है, तब तो वो नराधम है। पर नरोत्तम तो तभी है, हरी भजे तो हीरा, नहीं तो मल मूत्र को कीरा। तो नरोत्तम नाम रखा, और नरोत्तम जी तो राजकुमार थे, श्याम वर्ण के थे, एकदम श्याम वर्ण के, बहुत सुंदर थे, स्वभाव एकदम शांत, बुद्धि तीव्र, अंग सुअंग सब सुगठित थे, धन धान्य का तो कोई अभाव था ही नहीं। माता पिता ने छोटी अवस्था में ही उनकी पढ़ने की उत्तम व्यवस्था कर दी, और राजकुमार नरोत्तम खूब मन लगा करके पढ़ने लग गए। पर चूंकि ये खेतुरी ग्राम महाप्रभु जी के लीला स्थलियों से दूर नहीं था, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्राकट्य 1585 संवत में हुआ, और महाप्रभु जी का लीला अंतर्धान 1590 में हुआ, भले महाप्रभु जी विराज रहे थे नीलाचल धाम में, लेकिन
सर्वत्र गौर भक्त थे और इस पृथ्वी पर गौर चर्चा छोड़कर और कुछ नहीं था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा बहाई गई उस कृष्ण प्रेम की गंगा में संपूर्ण भारत उस समय स्नान कर रहा था। कितने कितने तप्त दग्ध चित्त शीतल हो रहे थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी को बचपन से ही प्रगट में महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब 5 बरस के थे नरोत्तम जी, तभी महाप्रभु की अंतर्ध्यान लीला हो गई। और महाप्रभु जी थे भी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, लेकिन बचपन से ही नरोत्तम ठाकुर जी को गौर कथा सुनने को मिली। क्योंकि जो नरोत्तम जी के पिता थे राजा कृष्णानंद जी, वे भी बड़े आस्तिक हृदय थे, संतों का वैष्णवों का सम्मान करने वाले थे, और उनके राज्य में भी अनेक गौर भक्त थे, प्राय भक्तों का आना जाना रहता था। तो उनसे श्री नरोत्तम ठाकुर जी को महाप्रभु जी की चर्चा सुनने को मिलती ही थी। और एक विशिष्ट भक्त भी रहते थे खेतुरी में, उनका नाम था कृष्णदास। उनके पास तो नरोत्तम प्रायः जाया ही करते थे और वे बड़े विद्वान भी थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन उसके साथ विभोर हो करके गौर कथा सुनाते थे। उन कृष्णदास जी का जीवन थी गौर कथा, और वे सुनाते सुनाते गौर कथा आविष्ट हो जाते थे, देह का अनुसंधान भी नहीं रहता था। और सुनते सुनते नरोत्तम दास जी विभोर हो जाते थे, और उनसे सुनते सुनते ही, बहुत अधिक अवस्था नहीं, 5 वर्ष की अवस्था रही होगी, सुनते सुनते ही महाप्रभु जी के दर्शन की विकट लालसा उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। और सुनते तो थे ही कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, तो सोचते थे मैं बड़ा हो जाऊं और फिर महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा, महाप्रभु जी के चरणों में समर्पण करूंगा, महाप्रभु जी की चरण सेवा प्राप्त करूंगा, ऐसा सोचा करते थे। लेकिन प्रगट में वो आशा पूरी नहीं हो पाई। और जब 5 ही वर्ष के थे कि एक दिन गांव में, नगर में एक दारुण संवाद आया कि श्री महाप्रभु जी नीलाचल धाम में सौ शरीर जगन्नाथ भगवान में विलीन हो गए। और जैसे ये संवाद सुना, तब तो वो कृष्णदास जो परम गौर भक्त नरोत्तम जी को गौर कथा सुनाते थे, वे तो विवल हो ही गए। और नरोत्तम ठाकुर जो अभी केवल 5 ही वर्ष के थे, वे मूर्छित हो गए, हा गौर हा गौर हा गौर हा गौर कहते हुए। माता पिता तो बहुत दुखी हो गए, हमारे बच्चे को क्या हो गया। सुना उन्होंने भी महाप्रभु की अंतर ध्यान लीला को, पर जिसके भीतर जितना प्रेम है आस्वादन उसको उतना ही है। आस्वादन का पैमाना तो समर्पण और प्रेम है ना। दुख उनको भी हुआ, पर जो गौर विरह की पीड़ा नरोत्तम जी को अनुभव हुई वो किसी को नहीं हुई। मूर्छित हो गए और सवेरे से रात तक मूर्छित पड़े रहे। तब उन कृष्णदास जी को ही बुलाया गया जो रात दिन गौर कथा सुनाते थे और बहुत लगाव था उनके प्रति। वो आए, विरह उनको भी अत्यंत था, लेकिन नरोत्तम जी के विरह को देख करके उनको अपना विरह पीड़ा थोड़ी लगने लग गई। तब छोटे से नरोत्तम जी को संभाला, गौर नाम सुनाया, कुछ चेतना आई, फिर रोते रोते हा गौर कह के मूर्छित होना चाहते थे, लेकिन उसी समय कृष्णदास जी ने संभाल कर समझाया, देखो नरोत्तम,
महाप्रभु जी कहीं गए नहीं हैं, जैसे श्री राम कहीं नहीं जाते, श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते, वे सदैव भक्तों के बीच में रहकर उनको सुख प्रदान करते हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी, अरे वे तो कहीं वृंदावन में जाकर के छिप गए हैं, वे कहीं चले नहीं गए हैं, अंतर्धान नहीं हो गए हैं, वे तो वृंदावन में छिप गए हैं। और उनके पार्षद जगदानंद जी, वक्रेश्वर जी, काशेश्वर जी, गोविंद जी, रघुनाथ जी, वे भी अब इसीलिए वृंदावन चले गए हैं। तो महाप्रभु जी का तुमको दर्शन नहीं हो पाया, तुम कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचो। तुमको गौर प्राप्ति वृंदावन में ही होगी, क्योंकि मूलतः तो जुगल सरकार ही मिलकर गौर हुए हैं, और जुगल सरकार की विहार भूमि तो श्रीधाम वृंदावन है, तो वृंदावन में गौर चरणों की प्राप्ति होगी। ये बातें कृष्णदास जी के द्वारा नरोत्तम जी को समझाई तो इसलिए गई ताकि बालक का मन बहल जाए, शांत हो जाए, सांत्वना मिल जाए उनको, इतना रुदन जो कर रहे हैं उसमें विराम आए। लेकिन कुछ समय के लिए विराम तो आया, लेकिन अब नरोत्तम ठाकुर जी के हृदय में एक नई लालसा पैदा हो गई। पहले नीलाचल जाने की सोचते थे, तड़पते थे, और अब एक ही इच्छा कि कब वृंदावन जाऊंगा। जब भक्त संत लोग कह रहे हैं कि महाप्रभु तो वृंदावन में विराज रहे हैं, वृंदावन में छिपे हैं, तो मैं कब वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाने का स्वप्न देखने लगे। पर छोटे बहुत थे, विद्या अध्ययन भी चल रहा था, और माता पिता सहजता में उनको जाने की आज्ञा देते भी नहीं, तो किसी प्रकार गौर विरह में जीवन धारण कर रहे थे। एक दिन की बात, राजकुमार नरोत्तम जी निकट पद्मा नदी में स्नान करने गए। उसका कारण ये भी था, राज कर्मचारी तो साथ होते ही थे, एक कारण ये भी था कि पद्मा नदी को देख करके यमुना जी का उनको दीपन होता था, वन प्रांत को देख के वृंदावन की भावना होती थी, इसलिए भी कभी कभी पद्मा नदी जाते थे, और इसलिए भी जाते थे कि जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री वृंदावन जा रहे थे, तब वे पद्मा नदी के निकट से ही निकले थे, और पद्मा नदी के तट पर महाप्रभु जी के चरण पड़े थे, ऐसा उन्होंने गौर कथा में सुना था। तो ये पद्मा नदी का तट महाप्रभु जी की चरणांकित भूमि है, और महाप्रभु जी ने पद्मा नदी का स्नान किया है, स्पर्श किया है। तो इस भाव से आप एक बार पद्मा नदी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही स्नान किया, ऐसे ही ऐसा लगा कि जैसे उनके भीतर किसी ने प्रवेश किया हो, नरोत्तम ठाकुर जी के भीतर, जैसे उन्होंने इस बार जाकर के पद्मा नदी में स्नान किया और किसी ने प्रवेश कर लिया हो, और उसी समय नरोत्तम ठाकुर जी हा गौर हा निताई हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल कहते हुए उद्दंड नृत्य करने लगे, रज में लोटपोट होने लग गए, और जो नरोत्तम ठाकुर जी एकदम श्याम वर्ण के थे, ओ नरोत्तम ठाकुर जी परम गौर वर्ण के हो गए। एकदम जो श्याम वर्ण के थे वो परम गौर वर्ण के हो गए, और वहीं पद्मा नदी के तट पर रह गए, लौटे नहीं। इधर माँ बाप को बहुत चिंता हुई, नरोत्तम नहीं लौटा, नरोत्तम नहीं लौटा। तब दोनों राजा रानी, कृष्णानंद जी महाराज और उनकी पत्नी, अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गए, और चारों ओर देखा, कहीं नरोत्तम नहीं है,
तब तो उनकी माँ को बहुत बहुत प्रकार की शंकाएं होने लगी। कहीं पद्मा नदी में इतना जल है, इतना प्रवाह है, मेरा पुत्र डूब तो नहीं गया। वो तो नरु नरु पुकार के जोर जोर से रोने लग गई। और जब जोर जोर से उनकी माँ रोई, तभी दूर जहां नरोत्तम आवेश में बैठे थे, वो दौड़ते हुए आए और माँ माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, मैं तो यही हूं, मुझे क्यों पुकार रही हो। अब उनकी माँ उनको पहचान न पाए, क्यों? क्योंकि पहले तो नदी में स्नान करने से पहले जब घर से चले तो श्याम वर्ण के थे, और स्नान करने के बाद गौर वर्ण के हो गए, लगता मेरा बच्चा ही बदल गया, वो पहचान न पाए। लेकिन जब बार बार नरोत्तम ठाकुर जी ने अपनी माँ को कहा तो आवाज तो वही थी, आवाज से पहचाना, वस्त्र थे और जो कुछ राजा के पुत्र ने आभूषण आदि पहने थे, हाथ पांव की रेखा तो वही थी, पहचान लिया। और फिर माँ कहने लगी, अरे लाला नरु, तू काले से गोरा कैसे हो गया, श्याम वर्ण से गौर वर्ण कैसे हो गया, बता तुझको क्या हुआ। और ये जो आंखों से अविरल अश्रुधार और निताई गौर हरि बोल कहकर के हुंकार भर रहा है, ये सब क्या है। तब माँ ने अपने बच्चे को छाती से लगाया, आंसू पोंछे, बताओ क्या बात है। तब उस 5-7 बरस के बालक ने रो रो के सहज स्वाभाविक रूप से जो जो उसने देखा था, जो उसके साथ घटा था, अपनी माँ को बताया, माँ मैं आज प्रातः पद्मा नदी में स्नान करने आया, लेकिन उसी समय मैंने क्या देखा कि नदी में से एक अत्यंत गौर वर्ण का बालक निकला और वह नृत्य कर रहा था। उसको देख करके मैं भी नृत्य करने लग गया और नृत्य करते करते उस गौर वर्ण के बालक ने मुझको आलिंगन दिया, हृदय से लगाया, और फिर वह गौर वर्ण बालक मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। और जैसे उस बालक ने मेरे भीतर प्रवेश किया, बस तभी से मेरी ये दशा है, मेरा श्याम वर्ण गौर वर्ण हो गया, और अब बस मेरा हृदय आनंद में प्रफुल्लित हो रहा है, और रुदन अश्रुपात हानताई गौर यही वचन मेरे मुख से निकल रहा है। और ये कहते कहते तो अधीर हो गए नरोत्तम ठाकुर जी और मैया से कहने लगे, माँ अब मैं घर में नहीं रहूंगा, माँ मुझे गौर से मिला दो, माँ मुझे वृंदावन भेज दो, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं संसार में बंध के नहीं रहूंगा। अब ये अजीब सी घटना सुनकर के माँ बाप भी आश्चर्य में पड़ गए। अब इस परिवर्तन का, इस लीला का रहस्य क्या है, रहस्य भी सुन लीजिए। रहस्य ये है कि जब स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी गौर कथा में सुनते हैं ना कि निकले जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए, सोचा गौर देश होते हुए माँ से मिलते हुए जाऊंगा वृंदावन, लेकिन भीतरी उद्देश्य तो कुछ और था, विष्णु प्रिया जी को पादुका प्रदान की, माँ को दर्शन दिए, और फिर महाप्रभु जी गौड़ से रामकेली ग्राम चले गए थे, और रामकेली ग्राम में जाकर के रूप सनातन जी पर कृपा की, और फिर रूप सनातन जी पर कृपा करके वापिस महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी के लिए लौटे थे, और फिर जगन्नाथपुरी से ही वृंदावन गए थे। तो जिस समय रामकेली से जगन्नाथपुरी के लिए लौट रहे थे महाप्रभु जी, तब रास्ते में ये खेतुरी ग्राम पड़ा था, जहां पर नरोत्तम ठाकुर जी का आज जन्म हुआ 5 वर्ष पहले। ये तो बहुत समय पहले की बात है। उस समय महाप्रभु जी आए थे, और अब महाप्रभु तो लीलाधारी है ना, पहले क्या हो चुका है वो भी जानते हैं, और आगे क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो उस समय श्री नित्यानंद प्रभु जी भी साथ थे,
महाप्रभु जी रुके पद्मा नदी के तीर पर और खेतुरी ग्राम की ओर देखा और तीन बार नरोत्तम 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 बाप नरोत्तम बाप नरोत्तम ऐसे पुकारा। जबकि उस समय तक तो नरोत्तम ठाकुर जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत वर्ष पहले की बात है। सब लोग सोचने लगे कि महाप्रभु जी यहाँ नदी के किनारे रुककर उस राजा के नगर की ओर देखकर नरोत्तम क्यों पुकार रहे हैं। पर सबको यही लगता था कि महाप्रभु तो निरंतर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही हैं, तो श्री कृष्ण का भी एक नाम नरोत्तम है, क्योंकि नरों में सबसे अधिक उत्तम वही है, तो शायद श्री कृष्ण का कोई नाम पुकार रहे हो। लेकिन महाप्रभु जी की लीला तो कुछ और थी। तब महाप्रभु जी कुछ देर वहां पर बैठे, और तो कोई महाप्रभु की इस लीला को नहीं समझ पाया था, उस समय बहुत भीड़ थी। नित्यानंद प्रभु जी समझ गए थे, और नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी का इशारा भी समझ गए थे। तब उस समय नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु जी के संकेत पर अपने दिव्य प्रेम धन को, महाप्रभु जी के और अपने दिव्य प्रेम धन को पद्मा नदी के पास धरोहर रूप में रख दिया था, रख छोड़ा था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन रख छोड़ते हैं, जैसे माता पिता बेटी छोटी सी होती है, अरे उस बैंक में पैसे रख दो, वो जमीन खरीद लो, 20 साल बाद जब बेटियों के विवाह का अवसर आएगा तब बेटियों का विवाह हो जाएगा। तो संसार में जैसे संसार के लिए प्लानिंग होती है, ऐसे भक्ति राज्य में भी प्लानिंग होती है। संसार में तो चूंकि सब कुछ नश्वर है, तो प्लानिंग भी सब नश्वर ही है, लेकिन इस प्रेम वाले मार्ग पर नश्वर कुछ नहीं, सब शाश्वत है। और इन सब घटनाओं के जो प्रतिफल हैं वे भी शाश्वत हैं, तो इसलिए इनका जो मूल्य है वो अमूल्य है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी ने श्री पद्मा नदी के पास में प्रेम के धन को धरोहर रूप में रख दिया, और उस समय साक्षात रूप में पद्मा नदी मूर्ति रूप में प्रकट हो गई, मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। तब नित्यानंद प्रभु जी ने यह भी आदेश दिया कि अनेक वर्ष बाद यहां पर एक नरोत्तम नाम का बालक जन्म लेगा, और जब वह प्रेम को धारण करने योग्य हो और तुम में स्नान करने आए गौर विरह में, गौर दर्शन लालसा में, तो हे पद्मा नदी, हमारे द्वारा दी गई संपत्ति को उस नरोत्तम नाम बालक को प्रदान कर देना। ये कहा। और उस समय तो महाप्रभु जी आगे चले गए थे, ये लीला तो कितने बीसों वर्ष पहले की है, और आज जब नरोत्तम ठाकुर जी प्रकट हुए, जन्म हुआ, और फिर 5-7 वर्ष की आयु में जब वे पद्मा नदी स्नान करने के लिए आए, तो यह धन उनको अनायास मिल गया। और ऐसा भी वर्णन है कि आज ही पद्मा नदी पर क्यों आए, बोले रात्रि में नरोत्तम ठाकुर जी को नित्यानंद प्रभु जी ने स्वप्न दिया था और कहा था, नरोत्तम तुम कल उषा काल में पद्मा नदी में स्नान करने के लिए अकेले जाना, तो तुमको वहां पर परम धन प्राप्त होगा, मेरा प्रेम प्राप्त होगा। तभी नरोत्तम उस स्वप्न संकेत के अनुसार स्नान करने आए थे, और परिणाम ये हुआ कि नित्यानंद का प्रेम धन प्राप्त हो गया। करोड़ जन्म साधना करके जो स्थिति प्राप्त न हो सके, वह जगतगुरु नित्यानंद की करुणा से सहज में प्राप्त हो गई,
और केवल भीतरी परिवर्तन नहीं हुआ, बाह्य परिवर्तन भी हो गया। जैसे श्री कृष्ण गौरांग अवतार में गोरे हो गए, ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी भी श्याम वर्ण से गौर वर्ण के हो गए। नित्यानंद प्रभु जी का आवेश, नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम आपके भीतर स्थापित हो गया। तो ये तो अंतर रहस्य है। ये बातें छोटे से नरोत्तम ने बताई भी अपने माँ बाप को, लेकिन राजा रानी ने कहाँ भरोसा किया। वो तो सोचने लगे जाने क्या हो गया है। कभी मन में विचार आता था कि हमारे बालक को कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई है, कहीं कोई अपदेवता, कोई बुरी शक्ति तो इसमें प्रवेश नहीं कर गई। अब वो तो राजा से कमी थी नहीं, दूर दूर के एक से एक बड़े तांत्रिक ओझा किन किन को बुलाया, और सबने चेष्टा भी की, पर भैया वो सामान्य भूत थोड़ो था जो उतर जाता, वो तो गौर प्रेम का भूत था, वो तो उतारने वालों पर भी चढ़ जाता है। तो कोई नहीं उतार पाया, परेशान हो गए माता पिता। तब आखिर में नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने माता पिता के चरण पकड़ के उनको एक ही बात कही कि मेरा सब दुख दूर हो जाएगा, सब रोग दूर हो जाएगा, आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा प्रदान करो। वृंदावन जाए बिन मेरा रोग शोक दूर नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो बार बार वो अपने माता पिता को ये बात कहते थे, पर माता पिता तो और सावधान थे। उनका मानना था कि अगर वृंदावन चला गया तो ये शायद कभी लौटेगा ही नहीं, प्राण भी इसके शायद न रहे। जैसी इसकी स्थिति है, इकलौते बेटे, राजा के बेटे, आप सोचिए। तो माता पिता को प्रार्थना करते, छोटे से ही थे, लेकिन माता पिता मानते नहीं थे। तब सोचे क्या करूं, समय बीत रहा था किसी प्रकार। हाँ, गौर कथा प्रतिदिन सुनते थे, गौर कथा तो आधार थी। तब गौर कथा सुनते सुनते एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वृतांत सुन रहे थे कि कैसे वो बार बार गौर चरण प्राप्ति का प्रयास करते थे और बार बार निष्फल होते थे, और फिर रघुनाथ दास जी कैसे भुलावा देकर के महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे थे, उसी युक्ति को नरोत्तम ठाकुर जी ने अपनाया। और अब उन्होंने वृंदावन जाने का आग्रह, रोना धोना कुछ दिन के लिए भुला दिया, आवेश को किसी तरह से कम कर लिया, और एकदम काम काज में, पढ़ने लिखने में पूरी रुचि दिखाने लग गए। और माता पिता को लगा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया है, लेकिन वो बाहर से ऐसा दिखा रहे थे, भीतर तो प्रेम की अग्नि प्रज्वलित थी उनके। कुछ समय बीता, इधर जो राजा कृष्णानंद जी थे, उस समय राज तो यवनों का था, मुस्लिमों का था, तो शासक को कर देना पड़ता था राजा कृष्णानंद जी को, तो एक मुस्लिम जागीरदार था तो उसको कर देना पड़ता था, वहां से फिर शासक के पास में कर जाता था। तो एक बार कर देने का अवसर आया, राजा कृष्णानंद किसी कार्य में व्यस्त थे, अवसर पाके नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा पिताजी मैं दे आता हूं, समय काम काज में तो रुचि दिखाई रहे थे। तब उनके पिता मान गए और नरोत्तम जी घुड़सवार साथ में थे, सैनिक लोग साथ में थे, और गए तो वो कर देने के लिए उस काम को पूरा भी कर दिया, लेकिन फिर बीच रास्ते में से लौटे नहीं वापस खेतुरी। वे तो वहीं से श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। ना उनको सिपाही देख पाए, ना घुड़सवार खोज पाए, इस तरह से गए। और जब ये समाचार मिला राजा और रानी को कि हमारा बेटा तो चला गया,
परम व्याकुल हो गए, माँ तो पछाड़ खाकर गिरने लगी। तब सैकड़ों सैनिकों को उस समय केवल 15-16 वर्ष की अवस्था थी नरोत्तम ठाकुर जी की, सैकड़ों सैनिकों को अति द्रुतगति से भेज दिया, जाओ कहीं से कैसे कोना कोना पत्ता पत्ता छान डालो, नरोत्तम को पकड़ के लाओ। चले जा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी तो वन मार्ग से जा रहे हैं, सैनिक लोग तो राजमार्ग पे ही खोजते रह गए, वो वन मार्ग से जाने लग गए। अब 16 वर्ष की आयु है लेकिन डर नहीं लगता, क्यों? उनको लगता नहीं मैं अकेला हूं, उनको तो वन मार्ग में यही लगता है कि एक और मेरे नित्यानंद हैं तो दूसरी और मेरे गौरांग हैं। और निरंतर चले जा रहे हैं वन मार्ग से, और बंधुओं चलते चलते मार्ग में काशी प्रयाग जिन जिन स्थानों को महाप्रभु जी ने पवित्र किया था उन सब गौर लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए श्री नरोत्तम ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। और प्राय आप देखेंगे कि जो भी आचार्य पधारे हैं मथुरा से ही पधारे हैं ब्रज में, और मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम जरूर किया है, वहां पर विश्राम की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी ने जब प्रकट भए तब गोकुल पधारे तो विश्राम किया, जब कंस का उद्धार किया तब विश्राम किया, और वही श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भए तब भी विश्राम घाट पर विश्राम किया। प्राय सब आचार्य विश्राम घाट पर पधारे हैं। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज आए और विश्राम घाट पर विश्राम करने लगे। अब उपयुक्त समय पर वृंदावन में प्रवेश करूंगा, अभी लेटे ही थे लेकिन तभी थोड़ी देर में राजकुमार नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम कहाँ हैं, राजकुमार नरोत्तम कहाँ हैं, ऐसी पुकार सुनाई पड़ी। तुरंत जागे कि यहाँ परदेश है, बंगाल के रहने वाले हैं, मथुरा तो पहली बार आए हैं, और यहाँ मुझको राजकुमार नरोत्तम कहने वाला कौन है? एक बार तो लगा कहीं पिताजी के भेजे सैनिक ही ना आ गए हों। लेकिन तभी उन व्यक्तियों से पूछा, आप कौन हो और नरोत्तम नरोत्तम क्यों बोल रहे हो? तब उन व्यक्तियों ने परिचय दिया, महाराज हमको जीव गोस्वामी जी ने भेजा है और कहा है कि आज नरोत्तम नाम के राजकुमार विश्राम घाट आ रहे हैं, उनको आदर पूर्वक वृंदावन ले आओ। माने पहुंचे बाद में, पहले ठाकुर जी व्यवस्था कर दिए, और तब तो परम हर्षित होकर के उन व्यक्तियों के साथ में वृंदावन आए। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की उस बयार ने उन लता पताओं का दिव्य स्पर्श हुआ, नरोत्तम ठाकुर जी प्रेम सिंधु में डूब गए। श्री जीव गोस्वामी जी के चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हो गए, और श्री वृंदावन में आते ही जो उनको बताया गया था ना कि महाप्रभु जी वृंदावन में छिपे हैं, कहीं गए नहीं, कोई शरीर त्याग वाली लीला नहीं हुई, वे भगवान हैं, शरीर तो मनुष्य त्यागता है, तो उनको वैसी ही अनुभूति हुई। उनको वृंदावन के वृक्षों के पात पात में राधा कृष्ण दिखाई दिए, और राधा कृष्ण जुगल रूप एक होकर के गौर रूप में भी दिखाई दिए। जीव गोस्वामी जी का चरणाश्रय ग्रहण किया, और तब तो जीव गोस्वामी जी के आनुगत्य में जितने आचार्य उस समय थे उन सब का दर्शन किया, कितने कितने गौर भक्त महाप्रभु जी के विरह में आ गए थे वृंदावन, उन सब का दर्शन हुआ, सब का दर्शन कराया। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विराजमान थे, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी विराजमान थे, दास गोस्वामी जी विराजमान थे, सबका दर्शन हुआ। और फिर आखिर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करवाया। सबके दर्शन किए थे नरोत्तम ठाकुर जी ने, सबका दर्शन करके सुख हुआ था। लेकिन जैसे ही जीव गोस्वामी जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी के दर्शन करवाए,
अरे लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करते ही नरोत्तम ठाकुर जी बिक गए। अब क्या अनुभव हुआ वो तो शिष्य जान सकता है, और जिसको बिकना होता है ना, आत्मसमर्पण करना होता है, वो पहली दृष्टि में ही कर देता है। फिर हाँ कोई निर्वाह कोई विधि बाकी रहे तो वो कभी पूरी हो, पर पहली दृष्टि ही बता देती है कि कहाँ मेरे सद्गुरुदेव विराजमान है। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन किया, और दीक्षा तो अभी हुई नहीं थी, पहली ही दृष्टि में उनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया, चरणों में समर्पण कर दिया। मुंह से तो कुछ नहीं बोले लेकिन सारी क्रिया मन ही मन, जैसे कोई विवाह योग्य कन्या पहले छत्राणी राजकुमारियों के स्वयंवर होते थे और वर आके बैठते थे बड़े बड़े, और लड़की को अधिकार होता था तो एक नजर भर के वो पूरी सभा में देख लेती थी, और एक ही बार में जिस पर मन आना होता था एक ही बार में आ जाता था, और फिर उसी के गले में माला डाल देती थी। पहले मन से वर्ण कर लेती थी फिर उसी के गले में माला डाल लेती थी, और अगर मन से वर्ण कर लिया हो और फिर ये कहा जाए कि नहीं नहीं ये नहीं, ये स्वीकार नहीं करती। सावित्री जी सत्यवान जी की जो कथा है वो यही तो है कि सावित्री जी ने सत्यवान जी को देखा और मन से वर्ण कर लिया, और बाद में जब पंडितों ने पत्री विचारी तो कहा महाराज ये सत्यवान तो अल्पायु है, एक बरस भी जीवित नहीं रहेगा। सावित्री जी के पिता को कहा कहां अपनी बेटी को काल में डाल रहे हो, जिस लड़के को पसंद कर लिया है वो एक साल का भी जीवन नहीं है, सारी जिंदगी विधवा रहना पड़ेगा। और माता पिता ने भी सावित्री जी को समझाया, पर सावित्री जी ने यही तो कहा था ना कि हिंदुस्तान की बेटी एक ही बार किसी का वरण करती है, और मैं वरण कर चुकी हूं, और अब किसी और पुरुष के वरण की कोई संभावना नहीं है। जबकि कोई संबंध नहीं हुआ, कोई तिलक नहीं हुआ, कोई विवाह पक्का कुछ नहीं हुआ, बस देखा और देख के वरण कर लिया, इसको कहते थे वरण। आज तो कोई मान्यता कुछ रहा ही नहीं है, इसको कहते थे वरण, पहली दृष्टि में एक बार। और फिर आगे की कथा तो जानते हैं, ऐसी पतिव्रता सावित्री जी हुई कि वट सावित्री के व्रत भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियां किया करती हैं। काल के मुख से भी अपने पति सत्यवान को बचा लाई थी सावित्री जी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो जैसे एक कन्या एक ही बार वरण करती है, ऐसे ही एक योग्य शिष्य, उनकी दृष्टि में एक बार जब गुरु मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है सदगुरु रूप में, क्या कहना, तब जीवन में एक अभूतपूर्व घटना होती है। तब वहां रह करके संपूर्ण रूप में मन संतुष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भटकन बाकी नहीं रहेगी। पर इसके लिए दोनों प्रकार का स्तर चाहिए, इतने पवित्र आचरण वाली कन्या भी तो हो जिसने कभी किसी को मन दिया ही ना हो, वही तो वरण करेगी। अब जिसका दिन में तीन बार मन मचलता हो जाने किस किस के प्रति, वो काहे का वरण कर पाएगी। तो स्थिति के अनुरूप कृपा की अनुभूति है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ऐसे दिव्य पात्र, और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ऐसे दिव्य परिकर महाप्रभु के, जब ऐसा दिव्य मिलान होता है तब दिव्यता जीवन में फूटती है, दिव्यता दिखाई देती है। जो नरोत्तम ठाकुर जी के जीवन में अत्यंत अलौकिकता दिखाई देती है, उसका कारण उनकी अत्यंत प्रबल गुरु निष्ठा है। और इस बात को बार बार निवेदन करते हैं, जिन महापुरुषों के जीवन में विलक्षणता दिखाई देती है, विशेष कृपा दिखाई देती है, तो आप देखेंगे उनके जीवन में गुरु निष्ठा बहुत ऊंचे स्तर की होती है,
और जिन लोगों की गुरु निष्ठा बहुत हल्की और ढुलमुल होती है, वे इस भक्ति जगत में विशेष उन्नति नहीं कर पाते, पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, बाकी हां लगे तो रहते हैं। तो पहली दृष्टि में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का गुरु रूप में वर्ण कर लिया, और यह बात एकांत में जीव गोस्वामी जी से निवेदन भी की, क्योंकि उस समय जो भी आते थे वैष्णव, उनका भार तो सब जीव गोस्वामी जी पे ही था, और कोई आए तो सबसे पहले तो दीक्षा ही होगी, और वैष्णव के हाथ न तो कोई सेवा ग्रहण की जाएगी और न तो अवैष्णव को कोई सेवा बताई जाएगी, ना ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। आप जीव गोस्वामी जी को तो तैयार करने थे नाम प्रचार के लिए, लेकिन उनमें से निवासाचार्य प्रभु जी, जो नरोत्तम ठाकुर जी से पहले आए थे, कल हमने सुना, और निवासाचार्य प्रभु जी की दीक्षा तो सहजता में गोपाल भट्ट जी से हो गई। श्यामानंद प्रभु जी आए थे तो पहले से ही कालना हृदय चैतन्य दास जी के शिष्य थे, और जीव गोस्वामी जी से अध्ययन प्रारंभ हो गया। लेकिन उन तीनों में जो नरोत्तम ठाकुर जी हैं, इनकी दीक्षा की बात अटक गई। एकांत में जीव गोस्वामी जी को कहा कि मैं श्री लोकनाथ प्रभु जी का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। सुनते ही जीव गोस्वामी जी ने कहा, अरे नरोत्तम, लोकनाथ प्रभु तो किसी को दीक्षा देते ही नहीं है, उनका तो आजीवन किसी को भी दीक्षा न देने का दृढ़ संकल्प है। लेकिन इस बात को सुनकर के भी नरोत्तम ठाकुर जी व्यथित नहीं हुए, उदास निराश नहीं हुए, बोले कोई बात नहीं, अगर शिष्य की गुरु निष्ठा प्रबल है तो कृपा तो प्राप्त होके रहेगी। संसारिक धरातल पर भी देखें, वहां सदगुरु वाला संबंध तो नहीं है, विद्या अध्ययन वाला संबंध है, पर महाभारत की बड़ी विख्यात कथा है एकलव्य की। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को माना, और उनकी पत्थर की मूर्ति बना करके ही अभ्यास करना प्रारंभ किया, तो अर्जुन और कर्ण से भी दिव्य धनुधारी एकलव्य हुए थे। भले द्रोणाचार्य जी कोई भगवत प्रेम प्रदान करने वाले सदगुरु नहीं, वे क्षत्रिय विद्या के गुरु थे, लेकिन इतने पर भी गुरु निष्ठा के बल पर बिना सिखाए द्रोणाचार्य जी से सब कुछ ग्रहण कर लिया था एकलव्य ने। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर एकलव्य द्रोणाचार्य जी से लौकिक विद्या, लौकिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नरोत्तम भी अपने सदगुरु लोकनाथ प्रभु जी से कृपा प्राप्त करेंगे। मन में विचार करने लगे, कैसे कृपा प्राप्त करूं? अरे गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का उपाय क्या होता है? गुरुदेव की सेवा। और सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है सुख देना, न कि दुख देना। पता किया, पता चला लोकनाथ प्रभु जी तो किसी से सेवा ही ग्रहण नहीं करते, किसी से एक गिलास जल नहीं लेते, किसी से अपनी लंगोटी तक नहीं धुलवाते, वे अपना सब काम स्वयं करते हैं, कोई उनका एक वस्त्र भी नहीं धो सकता, सुखा सकता, इतने वे दृढ़ निश्चयी हैं, तो क्या किया जाए? अब जो पारखी है, जो इतना आतुर है महाराज, वो तो रास्ता खोज ही लेगा, और जिसकी निष्ठा ही नहीं है, उसके लिए सामने शंकर ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएं कि मैं तुमको गुरु बनकर दीक्षा दे रहा हूं, तो रावण की तरह बेचारे रीते ही रह जाएंगे भगवत प्रेम से। कंस भी तो शंकर जी की उपासना करता था, और शंकर सबसे बड़े जगत गुरु हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी ने खोज लिया, क्या खोज लिया? बोले गुरुदेव की सेवा करनी है। कैसे? जहां गुरुदेव उनके भी रास्ते थे कुटिया में, कुछ दूर अपनी भी एक कुटिया डाल ली, और करते क्या थे, दूर एकदम पास नहीं, दूर
गुरुदेव की कुटिया की परिक्रमा करते थे, करताल बजाते हुए और धीरे धीरे हरि नाम गुनगुनाते थे। हरि नाम करते हुए गुरुदेव की कुटिया की परिक्रमा करते थे। आह मधुर मधुर नाम लोकनाथ जी के कान में जाता था, गाना बहुत अच्छा जानते थे नरोत्तम ठाकुर जी, तो उसको सुन के उनको भजन में और सहयोग होता था जब नाम कान में जाता था। पर लोकनाथ जी का इस ओर ध्यान नहीं था, जो गा रहा है ठीक है, न गाए तो भी ठीक है, पर हाँ अनुकूलता हुई। अंग रक्षक की तरह रहने लग गए, दूर से ही, पास नहीं, पास जाए तो विघ्न होगा। पूरा ध्यान रखते थे कि भजन में कोई विघ्न न हो, कोई हिंसक पशु कुटिया के पास न आने पाए। ये सेवा बहुत दिन तक करते रहे, पर इतने से तृप्ति नहीं हुई। फिर सोचने लगे क्या करूं, रसोई खुद बनाते हैं, ठाकुर सेवा खुद करते हैं, वस्त्र तक खुद धोते हैं, बर्तन भी जो होता है खुद मांजते हैं, कोई काम नहीं करने देते, पर भैया जिसको सेवा की खोज है वो तो ढूंढ लेगा। तब क्या निश्चय किया, खूब विचारा, तब समझ में आया एक सेवा ऐसी है जो मैं कर सकता हूँ। क्या सेवा? मैं गुरुदेव की महतर वाली सेवा कर सकता हूँ। महतर वाली सेवा? क्या सेवा? बोले गुरुदेव, जिस निश्चित स्थान पर जंगल में सवेरे निवित्त होने जाते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करने जाते हैं, उस स्थान का मार्जन, सफाई और गुरुदेव के हाथ धोने के लिए छान करके मिट्टी रखना, जल रखना, ये सब कार्य तो हो सकता है ना। और जैसे ये मन में विचार आया, बस नरोत्तम ठाकुर तो लग गए। क्या कहना, ऐसे गुरुनिष्ठ जन के लिए तो दुर्लभ क्या है। ऐसे गुरुनिष्ठ जन जो होंगे उनको तो गुरुदेव से पहले गोविंद मिले। ऐसे जन के लिए तो गुरुदेव जान लड़ा देते हैं। तो नित्य रात्रि के चार दंड रहते हुए, माने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी सवेरे 4 बजे निमित्त आदि होने के लिए जाते थे, बहुत वृद्ध शरीर था उनका, फिर स्नान आदि करते थे। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी तो और पहले 2 ही बजे पहुंच जाते थे। और करते क्या थे, उस शौच स्थान का भली प्रकार मार्जन कर देते थे, बुहारी लगा देते, सफाई कर देते, लीप देते। उसके बाद फिर हाथ धोने के लिए एक बड़े मिट्टी के पात्र में जल रख देते और छान कर मिट्टी रख देते, और फिर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छिप जाते। निश्चित समय पर, एकदम गुरुदेव का हर काम का निश्चित समय था, वे निश्चित समय पर आते, निवृत्त होते और जहां हाथ धोते वहां जल का पात्र उनको भरा मिलता, मिट्टी मिलती, धो लेते, चले जाते। और मन में सोचते कि ये सब कौन कर देता है। एक तो एकदम लोकनाथ गोस्वामी जी को ये बातें पकड़ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो हर समय लीला में आविष्ट रहते थे, बाहरी जगत के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। ये शरीर निर्वाह हो रहा है ठीक है, इस ओर दृष्टि नहीं थी, इस स्थिति के लीला चिंतन में वो डूबे थे। तो बहुत दिन तो कौन अनुभव नहीं हुआ, फिर भी थोड़ी बहुत बाह्य अवस्था तो थी। सोचते थे, कभी सोचते थे कि मुझे ही ध्यान न रहा हो। लेकिन 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये सेवा तो रुकी नहीं। आखिर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को विचार होने लग गया कि ये इतनी नीच सेवा कौन कर रहा है। क्योंकि पहले तो 1-2 महीने बाद इस काम को करने के लिए लोकनाथ जी को आना पड़ता ही था,
वो तो एक दो महीने में आके स्थान का शौच स्थान का मार्जन कर देते थे, एक साथ ही काफी सारी मिट्टी छान के रख देते थे, ऐसे करते थे वो तो। लेकिन अब तो रोज एकदम सब सफाई मिलती थी। वो सोचते थे काम कौन कर रहा है और उसको मेरे से क्या स्वार्थ है, और मैं कंगाल बाबा जी किसी को दे क्या सकता हूं, और कोई क्यों कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है इससे। अनेक बार लोकनाथ गोस्वामी जी ने दिन में ये खोज भी करनी चाहिए कि कोई दिखाई दे, ध्यान भी रखने लगे, पर दिन में तो नरोत्तम ठाकुर रहते नहीं थे, कुटिया में रहते थे, और लोकनाथ गोस्वामी जी अनुमान भी नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा राजा का बेटा, जानते तो थे ना नरोत्तम कौन है, बात भले नहीं करते, परिचय तो था, इतना बड़ा राजा का बेटा, खेतुरी के राजा का, तो वो ऐसा करेगा तो संभावना नहीं थी उनको। लेकिन नरोत्तम अपने काम में लगे रहे, और यह गुरु सेवा ऐसी वस्तु है, ये गुरुदेव के हृदय को प्रसन्न करने वाला कार्य ये ऐसी वस्तु है कि इसका प्रभाव जीवन में आए बिन रहता है नहीं, नहीं रहता प्रभाव। एक बरस बीत गया इस काम को करते करते, दिन में लोकनाथ जी देखे मिले नहीं, कोई छिपा के करते थे, कोई दिखा के तो सेवा करते नहीं थे। एक साल हो गया, तब लोकनाथ जी को लगा ये तो जो कोई सेवा कर रहा है लगता है बहुत चतुर है, अब दिन में तो इतनी बार देख लिया, मतलब क्या रात में आके सेवा करता है कोई। तब सोचे कोई बात नहीं, और चतुर के साथ चतुरी बनना पड़ेगा। तो प्रतिदिन तो 4 बजे जाते थे वो नरोत्तम जी, 2-2.5 बजे आ जाते थे, आज तो लोकनाथ गोस्वामी जी मध्य रात्रि में 12 बजे ही जाके बैठ गए जंगल में, आज पकड़ूंगा चोर को, बैठे रहे। और जैसे ही 2-2.5 बजे का समय हुआ, अब है तो अंधेरा ना, नरोत्तम ठाकुर जो खबर नहीं कि गुरुजी बैठे चुपचाप, तभी नरोत्तम ठाकुर जी हाथ में बुहारी लिए, सब सफाई का सामान लिए आए हैं, और जैसे ही शौच स्थान का मार्जन करने लगे, मिट्टी छान के रखने का प्रयास करने लगे, जल का पात्र रखने की व्यवस्था करने, जैसे हलचल हुई तैसे ही लोकनाथ गोस्वामी जी बोल पड़े जोर से, कौन। अब जैसे ही कौन शब्द सुना, नरोत्तम ठाकुर जी तो घबरा गए, हाथ से बुहारी छूट गई, वो पहचान लिया स्वर, थर थर कांपने लग गए। तब तुरंत दीपक का प्रकाश किया गया, और जैसे कभी उस दीपक के प्रकाश में अर्धरात्रि में शबरी जी को अपने गुरुदेव दिखाई दिए थे, बंधुओं ऐसे आज नरोत्तम जी को अपने गुरुदेव दिखाई दिए, और गुरुदेव को शिष्य दिखाई दिए, जो अंधेरे में उजाला कर दे, गुरु तो वही है। उस अंधेरे में उजाला हो गया जब गुरुदेव प्रकट हुए, लेकिन जब गुरुदेव देखे नरोत्तम, अरे वे तो आश्चर्यचकित रह गए, और नरोत्तम जी को कहा, नरोत्तम राजा के लड़के हो करके ये काम कर रहे हो, इतने बड़े राजा के लड़के होकर यहां वृंदावन भजन करने आए हो, ग्रंथ पाठ करने आए हो, अध्ययन करने आए हो, कि ये काम करने आए हो, क्या कर रहे हो। मैं ये सब तुमको नहीं करने दूंगा, किसकी आज्ञा से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इसको, इसको करने से तुमको। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, महाराज राजा का लड़का बनकर के तो कुछ नहीं मिला मुझे, केवल जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ चले गए, राजा का लड़का बनके तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति तो किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का शिष्य बन के होगी,
न किसी का बेटा बन के होगी, न बेटी, न बहू, न बाप। भगवत प्रेम की प्राप्ति तो किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का शिष्य बन के होगी, किसी राजा साहूकार का बेटा बन के नहीं होगी। तो राजा का बेटा होने से तो हानि हुई, और आप कह रहे हैं ये छोटा कार्य। हे गुरुदेव, मेरे लिए तो छोटा कार्य नहीं है। वृंदावन को चूहरो मांग खात है सूप, ताकि सरवर ना करे आन गांव को भूप। व्याजी का दोहा है ना। वृंदावन का महतर होना भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे तुम ये सब कर क्यों रहे हो? नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, हे संत भगवान, मैं गुरु सेवा कर रहा। गुरु सेवा? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? तो चरणों में पड़ गए। अंतर्यामी इतनी परीक्षा मत लो। अंतर्यामी हो, सब जानने वाले हो, मेरे हृदय की बात नहीं जानते क्या? पहली दृष्टि में मैंने आपको गुरु रूप में वर्ण कर लिया है। बस अब आप स्वीकार करें न करें, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पण कर चुका हूं। अरे नरोत्तम, कैसी पागल जैसी बात करते हो? तुमको पता नहीं मैंने जीवन भर दीक्षा न देने का दृढ़ व्रत ले रखा है। ले रखा है सरकार, आपका व्रत आप जानो। सबको अपने अपने व्रत का पालन करना चाहिए। आपने व्रत ले रखा है दीक्षा न देने का, पर इस चरण किंकर ने भी व्रत ले रखा है आपसे ही दीक्षा लेने का। कोई बात नहीं, इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में मिल जाएगी, मुझे जल्दी नहीं, पर ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे प्रियतम, प्राणों से प्यारे, अब कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। अपनी विज्ञप्ति, अपना आत्मनिवेदन गुरु चरणों में कर दिया था। और ये कहते कहते श्री नरोत्तम ठाकुर अधीर हो गए, चरणों में गिर गए। लोकनाथ गोस्वामी जी कुछ बोले तो नहीं, उत्तर भी नहीं दिया। भीतर से हृदय द्रवीभूत हो गया था और वे अपनी कुटिया में सीधे चले आए और भजन करने लग गए। उनका तो इतनी बात में जो समय चला गया वो भी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। वे भजन करने लग गए। उनको प्रतिदिन ही युगल गौर तो सदैव उपलब्ध थे। गौर कहते ही उनके हृदय मंदिर में गौर प्रकट होते थे। जुगल नाम लेते ही जुगल लीला का प्रकाश होता था। लेकिन आज जैसे ध्यान करने बैठे तो गौर मूर्ति प्रकट हुई और उस गौर मूर्ति में गौर चरणों में अपना चित्त लगाने लगे, पर आज चित्त न लगे, चित्त न लगे। बार बार मन में सोचते हैं क्या बात है, तब पुनः पुनः ध्यान करने लग गए, पर बात नहीं बन रही थी। किसी तरह रात्रि में दिन भर तो चला, पर भजन में भी थोड़ा व्यवधान हो ही गया और उधर चिंतन भी नरोत्तम जी के प्रति चला गया। सोच रहे थे तब बंधुओं, आखिर में अब लीला तो मूल में गोविंद हैं, गौर हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी को ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान की, महाप्रभु जी ने आज्ञा प्रदान की, हे लोकनाथ, भगवान भक्त के आगे सदैव हारते आए, गुरु भी शिष्य के आगे हारते आए हैं। और जैसे
पिता को अपने पुत्र से हारने में दुख नहीं होता, सुख होता है ना। बेटा अपने पिता से व्यापार में आगे निकल जाए, संसार में आगे निकल जाए, पढ़ाई लिखाई में आगे निकल जाए, तो कोई कलयुगी माँ बाप होंगे, अन्यथा तो सब माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे ही शिष्य भजन मार्ग में अपने गुरुदेव से आगे निकल जाए, वो तो कभी नहीं मानेगा कि मैं गुरुदेव से आगे निकल गया, वो तो अपने गुरुदेव का चरण किंकर ही अपने को मानेगा। पर इस बात से सदगुरु हमेशा प्रसन्न होंगे, भीतर से बहुत राजी होंगे, बड़ी अच्छी बात, खूब भजन करे, खूब भजन करो, खूब भजन करो। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी, लोकनाथ तुमको हारना होगा, और नरोत्तम के लिए, अधिक नहीं कहूंगा, नरोत्तम के लिए अपनी प्रतिज्ञा को एक बार तुमको शिथिल करना होगा, यही मेरी आज्ञा है। और जो महाप्रभु जी का स्वप्नादेश प्राप्त हुआ, और जैसे सवेरे उठे उस समय नरोत्तम ठाकुर जी वह सब शौच का कार्य समाधान करके छिपते छिपते आ रहे थे, लेकिन तभी सामने से लोकनाथ गोस्वामी जी आते दिखाई दिए, चरणों में देखते ही प्रणाम किया। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने भुजा बढ़ाकर नरोत्तम ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और कहा, बस तू जीत गया, मैं हार गया, तेरी गुरु निष्ठा मेरे दीक्षा न देने के व्रत पर भारी पड़ गई, जाओ स्नान करे आओ। और उसी समय श्री नरोत्तम ठाकुर जी यमुना स्नान के लिए गए हैं, स्वयं गुरुदेव हाथ पकड़कर कुटिया में लाए हैं, और उस समय श्रावण पूर्णिमा, वो दिन कौन था, श्रावण की पूर्णिमा का, जब महाप्रभु जी के स्वप्नादेश हुए। और श्रावण पूर्णिमा को दीक्षा देने का निश्चय किया और कह दिया, नरोत्तम तुम ही मेरे पहले और तुम ही मेरे अंतिम शिष्य हो, जीवन भर जो भी थोड़ा बहुत भजन बना है, अरे दीक्षा गुरुदेव देते हैं, तू केवल मंत्र नहीं, केवल नाम नहीं, नाम जपने और मंत्र जपने की सामर्थ्य भी देते हैं, शक्तिपात भी करते हैं, ऐसे तो इस कंगाल लोकनाथ के पास कुछ है नहीं, पर निष्कपट हृदय से प्रार्थना करता हूं, हे गौर, साक्षात नित्यानंद के प्रेम का स्वरूप तुम हो, महाप्रभु ने तुम्हारे स्वरूप का परिचय भी दे दिया है, पर ठीक है, लीला में मुझे गुरुदेव बनाना है, तो महाप्रभु की आज्ञा के लिए तो मैंने महाप्रभु जी को भी छोड़ दिया था। तुमको पता नहीं नरोत्तम, मैं बहुत छोटा था जब महाप्रभु जी के चरणों में आया था, लेकिन महाप्रभु जी ने मुझको 3 दिन ही अपने पास रहने दिया नवद्वीप लीला में, तब तक संन्यास भी नहीं लिया था, और आज्ञा कर दी, जाओ वृंदावन चले जाओ, वृंदावन का प्राकट्य करो, तब मैं नहीं जाना चाहता था, पर महाप्रभु ने कहा इसी में मेरा सुख है, तुम मेरे से दूर रहकर वृंदावन का प्रकाश करो, तब गौर के सुख के लिए मैंने गौर को छोड़ दिया, तो आज गौर के सुख के लिए अपनी किसी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे पहले और अंतिम शिष्य हो, सारी बात बता दी। तब शुभ समय में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के द्वारा श्री नरोत्तम ठाकुर जी की दीक्षा संपन्न हुई, और गुरुदेव के श्री मुख से नाम मंत्र श्रवण करके गुरुदेव के आनुगत्य में साधना करते हुए सिद्धि लाभ में देर नहीं लगी। देने वाला परिपूर्ण हो और लेने वाला भी परिपूर्ण हो, तब तो अनोखी घटना घटती है। देने वाला दे, पर ग्रहण करने वाले के पास पात्रता न हो तो नहीं रख पाएगा, बिखर जाएगी वस्तु। ऐसे ही लेने वाले के पास बहुत बड़ा पात्र हो
लेकिन अनन्यता नहीं है और सकामता के कारण या किसी और कारण ऐसे स्थान पर लगे हैं जहां कृपा प्रसाद ही नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। लेकिन यहां तो दोनों बात, लोकनाथ जी परम गौर भक्त महाप्रभु के प्रेम धन के धनी और नरोत्तम ठाकुर जी परम गुरु निष्ठ, अद्भुत लीला घटित हुई थोड़े ही समय में। नरोत्तम ठाकुर जी तो परिकर हैं, पर गुरु शिष्य दृष्टि से भी विचारे तो अद्भुत घटना हुई और उनको सिद्ध होने में देर न लगी। और इस मार्ग की सिद्धाई का अर्थ कुछ और नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, जो महाप्रभु जी का इस जगत को प्रदत्त भाव है, राधा दास्य भाव। उस राधा दास्य भाव में, मंजरी भाव में अवस्थित होकर के प्रिया प्रियतम की उन चिन्मय लीलाओं का और उस चिन्मय धाम में चिन्मय दिव्य देह से सेवा सौभाग्य प्राप्त करना, यही इस मार्ग की परम चरम उपलब्धि है। तो उस रस में आप निमग्न हो गए, परिकर तो है ही, और गुरुदेव भी उनकी इतनी शीघ्र इतनी दिव्य उन्नति देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और इधर जीव गोस्वामी जी के आनुगत्य में विद्या अध्ययन भी प्रारंभ हो गया। पहले भी बहुत पढ़े लिखे हैं नरोत्तम ठाकुर जी, राजा के बेटे हैं तो खूब संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई कर रखी हैं, लेकिन जीव गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति शास्त्रों का अध्ययन भी, वह षड संदर्भ हो, भक्ति सामर सिंधु हो या रस ग्रंथ हो, सबका अध्ययन श्री जीव गोस्वामी जी की शरणागति में किया। और रस पक्ष सिद्धांत पक्ष दोनों पक्ष से परिपूर्ण हो गए। ये संयोग दुर्लभ ही मिलता है। अनेक बार सिद्धांत पक्ष क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे चलना है कैसे रुकना है, इन सिद्धांत पक्ष की तरफ जिसका ज्यादा रुझान होता है, सब जगह नहीं पर अनेक बार ऐसा दर्शन मिलता है कि सिद्धांत पक्ष जिनके भीतर प्रबल होता है वो कहीं रस पक्ष में पीछे रह जाते हैं, उतनी भावुकता का अपने भीतर सृजन नहीं कर पाते। और अनेक बार ऐसे भी देखा जाता है कि भावुक बहुत हैं पर सिद्धांत सब गड़बड़ है, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, प्रेम है भाव है पर उलझन भी है साथ में। लेकिन जहां ये दुर्लभ संयोग बनता है मणि और कंचन वाला, सिद्धांत पक्ष भी परम पुष्ट, लेकिन हम सिद्धांत बहुत जान गए तो अब हम बहुत बड़े पंडित हैं, सबको समझाने का ठेका हमारा ही है, इस भाव में न जाकर के सिद्धांत पक्ष प्रबल है और सिद्धांत पक्ष से ये जान लिया कि रस ही सब कुछ है। सब पढ़े लिखे का फल यही है कि प्रिया प्रीतम में मन लगे तो सिद्धांत पक्ष भी पुष्ट हो जाए और उसके साथ रस पक्ष भी पुष्ट हो जाए, और सिर दे के उपासना में लग जाए, रस में डुबा दे और अपने आश्रय में आने वालों का भी सिद्धांत पक्ष पुष्ट करके सत्संग दे करके उनको भी रस मार्ग में लगा दे डुबा दे, ये एक पूर्ण सदगुरु की विलक्षण सामर्थ होती है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी की विशेषता यही है कि रस में तो कहीं कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में समस्त ग्रंथों को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया। और फिर कल हमने श्रवण किया था कि तीनों ही आचार्यों को जीव गोस्वामी जी ने तैयार किया, निवासाचार्य प्रभु जी, नरोत्तम ठाकुर जी, श्यामानंद जी। और जब देख लिया जीव गोस्वामी जी ने कि तीनों तैयार हो गए हैं, तब जिस कार्य के लिए उन्होंने तैयार किया था, सत्संग का प्रचार हो, श्री सनातन गोस्वामी पाद के सिद्धांत का प्रचार हो, चहु और महाप्रभु जी का अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ, इस सारी पृथ्वी पर कृष्ण प्रेम की गंगा प्रवाहित हो, वृंदावन प्रेम का प्रकाश हो, उन कार्यों को सिद्ध करने के लिए तीनों को
बाहर भी भेजना था, केवल ब्रज में रहकर बात पूरी नहीं हो जाती, बाहर भेजना था। तो श्री निवासाचार्य प्रभु जी को उनके गुरुदेव गोपाल भट्ट जी ने आज्ञा दे दी। श्यामानंद जी तो हृदय चैतन्य दास जी के शिष्य थे, उनकी आज्ञा से ही आए थे, जो कहें जीव गोस्वामी जी करना, उनको भी आज्ञा प्राप्त हो गई। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी को आज्ञा देने में एक संकोच था जीव गोस्वामी जी को, क्या कि एक तो नरोत्तम ठाकुर जी के प्राण गुरुदेव के चरणों में बसते थे, वो जानते थे कैसे उन्होंने दीक्षा ली है, प्राण बसते हैं, गुरुदेव तो उनके प्राण हैं, अब उनको कैसे कहूं कि गुरु जी से अलग हो जाओ और चले जाओ कहीं प्रचार के लिए, और दूसरा लोकनाथ जी के पक्ष में भी उचित नहीं होगा ये, क्योंकि लोकनाथ जी 100 वर्ष की आयु हो रही है, इकलौते शिष्य हैं और शिष्य भी नरोत्तम ठाकुर जी जैसे, वे भी चाहते होंगे मेरा शिष्य मेरे पास ही रहे, सेवा में सहयोग करे। और नरोत्तम ठाकुर जी दीक्षा लेने के बाद तो अगर आधा समय उनका ग्रंथ अध्ययन में, जीव गोस्वामी जी की सेवा में, तो शेष समय अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा में बीतता था। तो नरोत्तम ठाकुर जी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की प्राण प्रण से सेवा करते थे, अब चूंकि दीक्षित हो गए थे तो गुरुदेव भी संकोच नहीं करते थे सेवा ग्रहण करने में, अब तो उनके वस्त्र धोने की सेवा, उनके लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए सामग्री जुटा देना, रसोई की सेवा, गुरुदेव पढ़ रहे हैं तो चरण सेवा, ग्रंथ पढ़कर सुनाना, ये सब सेवा गुरुदेव की करते थे। तो जीव गोस्वामी जी को संकोच होता था, तब जीव गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि नरोत्तम को तो कहना उचित नहीं है, मैं क्यों ना लोकनाथ गोस्वामी जी को ही कहूं, और लोकनाथ गोस्वामी जी ही नरोत्तम ठाकुर जी को आज्ञा देंगे तभी वो जाएंगे, क्योंकि गुरु शिष्य का प्रेम बहुत अद्भुत है और वे बड़े हैं तो उनसे प्रार्थना करने में कोई हानि भी नहीं, और नरोत्तम ठाकुर को कहता हूं तो वो मेरे में गुरु भाव रखते हैं, वो धर्म संकट में पड़ जाएंगे, क्या करूं मैं। तब जीव गोस्वामी जी गणमान्य आचार्यों के साथ लोकनाथ गोस्वामी जी की कुटिया में उस समय गए जिस समय नरोत्तम ठाकुर जी नहीं थे। अब लोकनाथ गोस्वामी जी तो दैन्य की मूर्ति, और सबने लोकनाथ गोस्वामी जी को प्रणाम किया, और लोकनाथ गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया, मेरे अहोभाग जो आज सारे आचार्य कुटिया पर पधारे, क्या गया है इस अधम के लिए। तब जीव गोस्वामी जी ने प्रणाम पूर्वक, चूंकि जीव गोस्वामी जी बहुत छोटे हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी तो रूप सनातन जी से भी बड़े हैं, प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे गोस्वामी पाद, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जीव गोस्वामी जी, इस कंगाल के पास आपको लगता है कोई वस्तु ऐसी है जो आपको दे सके? अरे मैंने तो कुटिया में बैठ के अकेले ही भजन किया है, लाखों लोगों के भजन का मार्ग तो जीव गोस्वामी जी आपने प्रशस्त किया है, मैं तो भजन मार्ग में आके स्वार्थी हो गया, गौर सेवा न बन पड़ी मेरे से, थोड़ा कुछ शुरू में हुआ, पर आपसे जैसी सेवा बनी ऐसी तो, जो केवल अपना भजन करके अपना कल्याण कर ले, वो कहाँ बहुत श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ तो वह है जो अपना तो कल्याण कर ले पर हजारों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दे। आप भले मेरे से आयु में कम हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, पर जीव गोस्वामी जी मैं आपके प्रति गुरुवत भाव रखता हूँ, आदर का भाव रखता हूँ। ये सुनते तो जीव गोस्वामी चरणों में पड़ गए, नहीं नहीं आप पिता तुल्य हैं, आप गुरु तुल्य हैं, आप ऐसा नहीं कहिए। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, जीव गोस्वामी तो आप स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहते हैं। तब जीव गोस्वामी जी ने सारी अपनी रूपरेखा बता दी, आचार्य पाद आप तो जानते हैं कि श्री गुरुदेव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास गोस्वामी पाद, हम सब आचार्यों के द्वारा अनेक अनेक ग्रंथ राशि प्रकट हुई है लेकिन उसका प्रचार नहीं हो पाया है, धन तो प्रकट हो गया वितरण नहीं हो पाया है, और उस सत्संग धन का, कथा धन का, कीर्तन धन का, नाम धन का चहु और वितरण हो,
उसके लिए कोई एकदम गुरु निष्ठ, नाम निष्ठ, लीला निष्ठ, कोई भजनानंदी चाहिए, कोई नौ सीखिया मन चले के बस किए काम नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिद्धांत पक्ष में भी परम पुष्ट हो, जो स्वयं महान भजनानंदी हो, रस पक्ष में भी पुष्ट हो, और इन दोनों के बाद में नाम प्रचार के कार्य में रुचि भी रखता हो, जरूरी भी समझता हो। अब आता बहुत कुछ है, पर कौन मेहनत करे, कौन बोले, कौन जाए, कौन घूमे, ऐसा भाव है तो फिर नहीं हो पाएगा काम। तो कृपा से भरा हुआ भी हो, लेकिन लुटाने में, वितरण करने में उसके निष्ठा भी हो। तो उसी भाव से इन तीनों को तैयार किया गया है, निवासाचार्य जी, श्यामानंद जी और तीसरे आपके नरोत्तम ठाकुर जी। लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, नरोत्तम आपका ही है, मैंने तो आपकी आज्ञा पालन के लिए ही उसको दीक्षा दी है, और वास्तव में वो विलक्षण है, मैं भी उसके गुणों पर मुग्ध हूँ, आप कहिए। जीव गोस्वामी जी ने कहा, और कुछ नहीं, बस हम चाहते हैं आप नरोत्तम की भिक्षा हमको दे दीजिए, नाम प्रचार के कार्य के लिए, महाप्रभु जी के प्रेम धर्म के प्रचार के कार्य के लिए आप नरोत्तम को हमें प्रदान कर दीजिए। इतनी देर में तो नरोत्तम ठाकुर जी आए गए, सब आचार्य उनके गुरु लोग बैठे, प्रणाम किए, और जैसे आए उसी समय हाथ पकड़े श्री लोकनाथ गोस्वामी जी नरोत्तम ठाकुर जी का, और श्री जीव गोस्वामी जी के हाथ में देते हुए बोले, आज से मैंने नरोत्तम का दान आपको किया, आप जो चाहे जैसी सेवा चाहे नरोत्तम से लीजिए, अरे आपकी सेवा के लिए, नाम प्रचार के कार्य के लिए अगर इस बूढ़े लोकनाथ में भी ताकत होती, अब तो चलने फिरने की सामर्थ्य भी नहीं रही, ताकत होती तो मैं भी चला जाता, क्योंकि मुझे पता है जीव गोस्वामी जी आपका संकल्प आपका नहीं है, आपका संकल्प महाप्रभु जी का संकल्प है, आपका संकल्प नित्यानंद जी का संकल्प है, खूब जाए। अब ये कहते ही तो सबको लगा कि शायद लोकनाथ जी को मनाना पड़ेगा, वो सहजता में इतनी उदारता हृदय के भीतर, और ये होती है जो यथार्थ भजन को समझता है, यथार्थ भजन की महिमा जानता है, वो कभी नाम प्रचार को हे नहीं बताएगा, ये भी एक कच्चापन है। नाम प्रचार एकांतिक भजन ये विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक है। प्रभु किसी के द्वारा एकांतिक भजन करके कमाई करवाते हैं, किसी के द्वारा लुटवाते हैं, पूरक है। जब तक भेद माथे में रहता है तब तक सेवा भी नहीं बनती, भजन भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, तब तक केवल गाल बजाना बनता है। लेकिन जब अंतर राज्य की भीतरी खबर लगती है तब पता चलता है ये दोनों में भेद नहीं, ये पूरक है एक दूसरे के। सहजता में प्रदान कर दिया। पहले तो नरोत्तम ठाकुर जी को बहुत पीड़ा हुई, पर जब देखा कि मेरे दीक्षा गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव दोनों की यही आज्ञा है, इसमें सुख है, तो मैं कैसे कह दूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनका हूं, वो जैसे चाहे रखे, तब राजी हो गए। और कल हम सब सुन चुके हैं कितने ग्रंथ थे, चार बड़े बड़े संदूक लकड़ी के, जिनमें वह ग्रंथ रखे गए थे। सोचिए, चार बड़े संदूक, इतने ग्रंथ थे, और दो बैलगाड़ियों पर उनको लादा गया, और तब निवासाचार्य जी को, नरोत्तम ठाकुर जी को, श्यामानंद जी को विदा करने की व्यवस्था की जाने लगी। सब आचार्य लोग दूर तक, वृंदावन की सीमा तक छोड़ने आए। नरोत्तम ठाकुर जी लगातार रो रहे थे, बार बार हृदय से लगाकर लोकनाथ जी उनको समझा रहे थे, सांत्वना दे, वो भी रो रहे थे, नरोत्तम ठाकुर भी रो रहे थे। आखिर में जब चलने लग गए, जब लगा कि अब, तब बहुत व्याकुल हुए, और लोकनाथ जी ने कहा, पुत्र इतने व्याकुल नहीं हो, महाप्रभु की सेवा है, जाओ खूब नाम प्रचार करो। तब अंतिम उस क्षण में
नरोत्तम ठाकुर जी ने गुरुदेव को कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन एक आज्ञा दे दीजिए। क्या? कि बीच बीच में जब अवसर मिले, जल्दी नहीं, भले साल भर में जब आप प्रेरणा करोगे, बीच बीच में वृंदावन आकर आपका दर्शन कर जाया करो। आपका दर्शन न होगा तब तो ये प्राण स्पंदनहीन हो जाएंगे। एक आज्ञा दे दीजिए, खूब कार्य करूंगा प्रचार का, जितना आप करवाएंगे, पर बीच बीच में आके दर्शन कर जाया करूं। लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? ये तेरा और मेरा आखिरी मिलन है, अब दोबारा तुझको ये शरीर देखने को नहीं मिलेगा। अनुमान करिए बंधुओं, नरोत्तम ठाकुर जी की क्या अवस्था, वे तो वही मूर्छित होकर गिर पड़े थे। कितनी देर में वो स्वस्थ हुए थे, कितना कितना वह विलाप प्रलाप, वह गुरु शिष्य का प्रेम वही जान सकते, कितनी कठिनाई से संभाला था। अंतिम विदा अपने गुरुदेव से ले रहे हैं, सबकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तब चलते हुए फिर एक चीज मांगी, हे गुरुदेव, करोगे तो आप वही जो करना चाहते हो, पर इस अधम को, इस नरोत्तम को आधार दे दो, जीवन का आधार दे दो। बंधुओं, तब वही आधार लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम ठाकुर जी को दिया था, जो आधार चित्रकूट धाम में कभी भगवान श्री राम ने भरत जी को दिया था, जो आधार कभी श्री नवद्वीप धाम में श्री महाप्रभु जी ने देवी श्री विष्णु प्रिया जी को दिया था, आज वही आधार अर्थात लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपनी पादुका नरोत्तम ठाकुर जी को प्रदान कर दी। और नरोत्तम ठाकुर जी उन्हीं पादुकाओं को लेकर के सदा के लिए, अब पता है कि दोबारा गुरु दर्शन होगा नहीं, उस पीड़ा का अनुमान करिएगा, चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े अनंत की ओर, उस अनंत सेवा कार्य की ओर। प्रचार कार्य की तो सीमा नहीं, जीवन थोड़ा है, सांस सांस गलानी पड़ती है, रोम रोम गलाना पड़ता है। चल पड़े बंधुओं उस सेवा कार्य की ओर। और फिर से यात्रा की, कल भी निवासाचार्य प्रभु के चरित्र में चर्चा की थी, रास्ते में ग्रंथों की चोरी हो गई, तो निवासाचार्य प्रभु तो ग्रंथों को खोजने में चले गए, फिर राजा वीर हामवीर का उन्होंने उद्धार किया, ग्रंथ प्राप्त हुए। लेकिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी और श्यामानंद जी को नाम प्रचार की आज्ञा दे दी, तो नरोत्तम ठाकुर जी फिर वहीं अपने पिता के स्थान खेतुरी में निवास करके भजन करने लगे। लेकिन ग्रंथों के चोरी की बात उनको बार बार दुखी करती थी कि निवासाचार्य प्रभु कैसे ग्रंथों को ढूंढ रहे होंगे, कहाँ ढूंढ रहे होंगे। तब कुछ दिन पश्चात उनको संवाद मिला निवासाचार्य प्रभु जी का कि ग्रंथ मिल गए हैं, सुरक्षित हैं, ग्रंथ कहीं नष्ट भ्रष्ट नहीं हुए। तब कितने प्रसन्न हुए नरोत्तम ठाकुर जी कि उन्होंने अपने वहाँ पिताजी के राज्य में 5 दिन का उत्सव मनाया, और जो एक ग्लानी थी, चिंता थी, वो दूर हो गई। और उसके पश्चात फिर श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने गौड़ मंडल की और नीलाचल की यात्रा की, क्योंकि ब्रजमंडल का दर्शन हो गया, वहां तो निवास ही किया, गुरुजनों की शरणागति की, पर अभी गौर लीला स्थलियों का दर्शन नहीं किया था। नवद्वीप भी गौर लीला स्थली है और नीलाचल भी गौर लीला स्थली है। तब महाप्रभु जी के लीला स्थली दर्शन करने का उद्देश्य, और अभी जो शेष नवद्वीप और नीलाचल में गौर भक्त हैं उनका दर्शन करने के उद्देश्य से प्रथम नरोत्तम ठाकुर जी नवद्वीप गए। और जैसे नवद्वीप पहुंचे और दर्शन करने के लिए व्याकुल थे, कोई भक्त नहीं मिल रहा था,
तभी उनको सामने से एक परम तेजस्वी साधु वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने नरोत्तम ठाकुर जी से पूछा, तुम कौन हो? तब हाथ जोड़ प्रणाम कर नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, मैं खेतुरी ग्राम निवासी नरोत्तम ठाकुर हूं। परिचय पाकर वो प्रसन्न हो गए और फिर हाथ जोड़ करके पूछा, आप कौन हैं? तब उस साधु वैष्णव ने कहा, मैं अभागा शुक्लांबर हूं। आप शुक्लांबर नाम से परिचित होंगे, श्री महाप्रभु जी की नवद्वीप लीला के परिकर हैं। इनके यहां पर जब महाप्रभु गया जी से लौट कर आए थे तो इन्हीं के घर में सभा हुई थी और ये उस समय शुक्लांबर अकेले गौर लीला के, जिन्होंने प्रत्यक्ष गौर लीला देखी थी, अकेले परिकर बचे हुए थे उस समय, बूढ़े थे। अब तो चरणों में लोटपोट हो गए और उन शुक्लांबर जी ने ही संपस्त नवद्वीप गौड़ मंडल का आपको दर्शन कराया। महाप्रभु जी के घर में तो अब कोई नहीं था, शची माँ भी अंतर्धान हो चुकी थी, विष्णु प्रिया देवी जी भी, लेकिन महाप्रभु जी के घर में किसी प्रकार वो दो सेवक रह रहे थे, आपको याद होगा, ईशान और दामोदर। ईशान शचीमा के सेवक थे और दामोदर पंडित विष्णु प्रिया जी के सेवक थे। वो दोनों सेवक भी अत्यंत वृद्धावस्था में किसी प्रकार प्राणों को धारण कर रखे थे। उनका दर्शन किया, उन्होंने समस्त महाप्रभु जी के उस समय घर का दर्शन कराया, कहाँ महाप्रभु जी सोते थे, कहाँ महाप्रभु जी के वस्त्र, कहाँ विष्णु प्रिया जी रहती थी, कहाँ शची माँ रहती थी, सब स्थानों का दर्शन कराया। अत्यंत भाव में विवल होकर के सब लीला स्थलियों का दर्शन किया, महाप्रभु जी की पदरज को मस्तक पर धारण किया, अनेक दिन तक गौड़ देश में निवास किया, शांतिपुर में जाकर के अद्वैत प्रभु जी के स्थान का दर्शन किया, कालना में जाकर के उन गौरीदास पंडित जी के दिव्य निताई गौर जी का दर्शन किया और फिर अनेक दिन नवद्वीप धाम में निवास करके गौड़ मंडल दर्शन करके फिर नीलाचल की यात्रा की। और नीलाचल में पहुंचे, हा गौर कहते हुए, तब शरीर संबंध में महाप्रभु जी के मौसा जी गोपीनाथ आचार्य, गौर कथा में इनका परिचय मिलता है, उन गोपीनाथ आचार्य जी का दर्शन हुआ। वे तब तक जीवित थे और उन्हीं के निवास स्थान, तब उन गोपीनाथ आचार्य जी के अनुगत्य में नीलाचल का दर्शन, बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना, उनके अनुगत्य में नीलाचल लीला स्थलियों का दर्शन किया। काशी मिश्र जी के घर पर गए और जिस समय महाप्रभु की उस गंभीरा का दर्शन किया, जिस छोटी सी कोठरी में महाप्रभु कभी 18 वर्ष रहे थे, उस जीर्ण कंथा का, उस महाप्रभु जी की माला का, उन करुए का, उन पादुका का दर्शन करके कैसा विलाप, कैसा प्रलाप, कौन उसका वर्णन कर सकता है। सब नीलाचल की लीला स्थली, हरिदास ठाकुर जी का वह सिद्ध बकुल, हरिदास ठाकुर जी की वह समाधि, जगन्नाथ मंदिर में जहां महाप्रभु जी के चरण छप गए थे वह स्थान, जहां दीवाल पर महाप्रभु जी के उंगलियों के चिन्ह है वह स्थान, वह गड्ढा जहां पर महाप्रभु जी के अश्रु जल कभी एकत्र हो जाया करते थे, उन सब का दर्शन किया। उन जगन्नाथ जी के मंदिर में चरण चिन्ह तो दर्शन किए, निकट गदाधर प्रभु जी के स्थान पर उन पोथी का भी दर्शन किया, जिन पोथी को गदाधर प्रभु महाप्रभु जी को सुनाते थे और जो भागवत की पोथी महाप्रभु जी के प्रेमाश्रु जल से धुल गई थी, गल गई थी, उस पोथी का दर्शन किया, टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन किया और जो जो उस समय प्रधान भक्त थे उन सब का दर्शन किया। और सबका दर्शन करके परिपुष्ट होकर के पुनः खेतुरी लौट आए और तब तो पुनः साधना में लग गए। कीर्तन करने में बड़े कुशल थे हमारे नरोत्तम ठाकुर जी। एक बार तो उनके मुख से एक विशेष प्रकार का स्वर निकला, अपने आप एक विशेष प्रकार का स्वर, और उस विशेष प्रकार के स्वर में एक विशेष प्रकार का कीर्तन। ये अनुभवियों के जीवन में घटता है,
जब आवेश की अवस्था में नए नए पद और नए नए स्वरों का स्फुरन होने लगता है, ये कोई प्रेमी जान सकता है। जो एक विशेष स्वर का प्रकाश हुआ और जो कीर्तन में सहयोगी थे नरोत्तम ठाकुर जी के, उनके कीर्तन शिष्य देवीदास जी, बल्लभ दास जी, गौरांग दास जी, मृदंग वादक, उन सबने इस स्वर को धारण किया और वो अद्भुत ही कीर्तन प्रकाशित हुआ। और फिर तो ऐसा वो कीर्तन का नशा चढ़ा उस विशेष कीर्तन का कि नरोत्तम ठाकुर जी शेष जीवन में उसी कीर्तन को करते रहे। और वह शैली कीर्तन की गरान हाटी कीर्तन कहलाई। आज भी बंगाल में जो विविध कीर्तन की शैलियां हैं उनमें नरोत्तम ठाकुर जी की गरान हाटी कीर्तन शैली का विशेष प्रचलन है। वो नरोत्तम ठाकुर जी को स्वतः ही प्रकट हुई थी वह कीर्तन शैली, वह राग। तो चहो और वो कीर्तन की धूम हो गई। राजा के पुत्र थे और पिता भरपूर सेवा भी करते थे, उनको पता मेरा एक ही पुत्र, अब वो ग्रस्त नहीं विरक्त हो गया तो ठीक है, हम मर जाएंगे यही संपत्ति रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी, सेवा में खर्च तो होए। तब बार बार माता पिता अपने पुत्र से ही पूछते थे, बेटा तुम तो विरक्त हो गए, अब खुद ही बनाकर सूखी रोटी एक समय पाते हो, ये इतनी धन, ये इतनी संपत्ति, इसका क्या होगा? हम तो जाने मन में कौन कौन सपने संजोए थे। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी ये धन भोग के लिए नहीं मिला, ये धन सेवा के लिए मिला, भोग के लिए नहीं मिला। जो इस धन को केवल भोग की वस्तु समझता है वह गद्दार है। चूंकि ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है, तन है, धन है, मन है, व्यापार है, संबंध है, वास्तव में सारी वस्तु भगवत सेवा और भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। और जो प्रभु की वस्तु को अपना मान करके भोगता है, प्रसाद मान के उपयोग नहीं करता, वो बंधन में पड़ता है, पाप का भी अधिकारी होता है। तो आप कहते हो इसको भोग, कोई कितना भोग सकता है? पिताजी अगर आप चाहते हैं, मैं आपको अधिकारी नहीं, जब मैं विरक्त हो गया तो मैं पिता को ये कहने का तो अधिकारी नहीं रहा कि आप दान करो, पर आप मुझसे बार बार पूछते हो, संपत्ति का कुछ नहीं होगा, जो सेवा राशि अपने हाथ से काम आ गई, सेवा में लग गई, वही सार्थक, बाकी तो ये संसार तो कभी तृप्त होने वाला है ही नहीं। आप बार बार पूछते हो संपत्ति का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, सोने का क्या होगा, चांदी का क्या होगा? पिताजी अभी आपके पास समय है, सार्थक करिए। तुम बताओ कैसे सार्थक करूं? पिताजी भव्य दिव्य मंदिर बनवाइए ना, किसी मंदिर में गौर विष्णु प्रिया हो तो किसी मंदिर में राधा गोविंद हो, तो किसी मंदिर में सीता राम हो, तो किसी मंदिर में नित्यानंद प्रभु वसुधा जानवा ठकुरानी के साथ हो, तो किसी मंदिर में षडभुज महाप्रभु हो, तो किसी मंदिर में जगन्नाथ भगवान हो। सेवा का विस्तार करिए, योग्य योग्य ब्राह्मणों को लगा करके उन मंदिरों की सेवा व्यवस्था करिए, महान महान वैष्णवों को बुलाकर भागवत जी के पाठ कराइए, वैष्णवों को दान करिए, सेवा का विस्तार करिए, अखंड नाम की व्यवस्था करिए। आपके पास धन है, आप तन से नहीं कर सकते, आप धन से सेवा करिए ना जितनी आपकी सामर्थ्य है। आप क्यों रात दिन, अरे जिन्होंने इस धन को बहुत भोगा अंत में वे भी अतृप्त होके ही गए। तृप्त होकर तो पिताजी वही गए जिन्होंने इस धन की जो सबसे उत्तम गति है सेवा दान, उसमें इस धन को लगाया। अपने पिताजी को बंधुओं ऐसा नरोत्तम ठाकुर जी ने उपदेश दिया कि जो जो नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा वह वह सब करने को उनके पिताजी तैयार हो गए। और सबसे पहले श्री गौर विष्णु प्रिया जी के दिव्य विग्रह प्रकट हुए, दिव्य मंदिर में उनको विराजमान किया गया।
फिर श्री वल्लभ ही कांत जी के श्री विग्रह तैयार हुए, उनको विराजमान किया गया। और तब तो 6 अलग अलग जोड़ी श्री विग्रह विराजमान हुए और एक विराट उत्सव की योजना बनाई जाने लग गई। इसी को ही खेतरी उत्सव कहते हैं। बहुत बड़ा विराट उत्सव, वैष्णव जगत में इतना बड़ा उत्सव न भूतो न भविष्यति, क्योंकि उस उत्सव में केवल श्री विग्रह स्थापना नहीं, केवल भागवत जी पाठ नहीं, केवल अखंड नाम संकीर्तन नहीं, उस उत्सव की महानता ये थी कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों भगवत प्राप्त महापुरुष सम्मिलित हुए, योजना बनाई जाने लगी। और अब नरोत्तम ठाकुर जी तो निवासाचार्य प्रभु के बिना कुछ करेंगे नहीं, तो निवासाचार्य प्रभु जी को प्रार्थना भेज दी कि आपके आनुगत्य में ही उत्सव होगा। और बंधुओं, तब तो दूर दूर से प्रथम निवासाचार्य प्रभु जी तो आ ही गए श्री रामचंद्र कविराज जी के साथ में, व्यासाचार्य जी के साथ में, अपने शिष्य परिकर के साथ में। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी के दिव्य उस संकल्प को देख करके सब प्रसन्न हो गए और सबको निमंत्रण दिया गया। कौन नहीं था जो उस समय ना आया हो, समस्त नित्यानंद प्रभु जी के परिकर, माने नित्यानंद प्रभु जी की दोनों प्रिया जानवा ठकुरानी वसुधा ठकुरानी और नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र वीरचंद्र जी। नित्यानंद प्रभु जी तो अंतर्ध्यान हो गए थे, तीनों प्रभु अंतर्ध्यान हो गए थे, पंच तत्व अंतर्ध्यान हो गए थे, पर बाद के परिकर जानवा ठकुरानी वसुधा ठकुरानी वीरचंद्र प्रभु जी पधारे थे उस समय। श्री चैतन्य भागवत जी के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, पदकर्ता ज्ञान दास जी, बलराम दास जी, शांतिपुर से श्री अच्युतानंद जी, गोपाल प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी की प्रिया सीता देवी जी, श्री नवद्वीप धाम से शिवास पंडित जी तो अंतर ध्यान हो गए थे, पर उनके और दो भाई श्रीपति और श्री निधि, श्रीखंड से रघुनंदन जी, कनाई ठाकुर, अरे श्यामानंद प्रभु जी के गुरुदेव विराजमान थे हृदयानंद दास जी, वे हृदयानंद दास जी, उनके शिष्य श्यामानंद जी, उनके शिष्य रसिकानंद जी सब पधारे। अरे एक एक ऐसा महापुरुष जो अकेला पूरी सृष्टि को तार दे, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों महापुरुष पधारे। और श्री निवासाचार्य प्रभु जी तो अपने पूरे परिकर के साथ आए और इसी उत्सव में प्रथम परिचय श्री निवासाचार्य प्रभु जी के परम प्रिय शिष्य रामचंद्र कविराज, उनका चरित्र हम लोग कल सुनेंगे, उन रामचंद्र कविराज जी से प्रथम परिचय नरोत्तम ठाकुर जी का इसी उत्सव में हुआ था। और इस उत्सव में दर्शन करने के बाद में निवासाचार्य प्रभु जी ने रामचंद्र कविराज जी को अपने शिष्य को सदा के लिए नरोत्तम ठाकुर जी को दे दिया था। शिष्य तो रामचंद्र कविराज जी निवासाचार्य प्रभु जी के थे, पर संग रहते थे नरोत्तम ठाकुर जी के। हम लोग सुनेंगे, अद्भुत चरित्र है इनका। विराट सम्मेलन हुआ, संत महापुरुष हुए, और फिर कैसे सत्संग, जाने कितने दिन तक कथाओं का क्रम, जाने कितने कितने कीर्तन, जाने कितने कितने नगर कीर्तन, भोज भंडारों की तो झड़ी लगी है, सबके आने जाने की पूरी पूरी व्यवस्था, जो उस समय साधन थे, बैलगाड़ी, रथ, नौका, जो जैसे आ सकता है। नरोत्तम ठाकुर जी के पिता कृष्णानंद जी ने तो पूरे भंडार खोल दिए, लुट जाए सब कुछ, माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए थे, ब्रज में कहा जाता है, काया शुद्ध हो तो जब ब्रज रज उड़ी अंग लगे, माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए थे, कान शुद्ध हो तो कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध हो तो दरस जुगल छवि पाए थे, हाथ शुद्ध होए हरि गुरु की सेवा किए, पाम शुद्ध होए धाम वृंदावन जाए थे, मस्तक शुद्ध होए हरि गुरु के चरण परे, और रसना शुद्ध होए श्री कृष्ण नाम गाए थे। आज हर इंद्री धन्य हो गई नरोत्तम ठाकुर जी के इस दिव्य भव्य महोत्सव में।
सब परिकर पधारे बंधुओं, और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को जिस दिन महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस होता है उस दिन शिव विग्रहों की स्थापना की तिथि रखी गई। उत्सव तो महीना पहले प्रारंभ हो गया था और महीना बाद तक उत्सव चलता रहा। गिन नहीं पाए कितने वैष्णव, अरे जो प्रकट रूप में परिचय था वे आए सो आए, कितने कितने देवता वैष्णवों के रूप में उस उत्सव में सम्मिलित हुए। और चारों ओर जय गौर जय निताई, जय गौर जय निताई, यही ध्वनि होती थी। और जब उत्सव में सबसे मुख्य दिन पहले तो नरोत्तम ठाकुर जी सब व्यवस्था में लग गए, और जिस समय स्थापना का दिवस था पूर्णिमा को महाप्रभु जी की जुगल की सबकी विधिवत स्थापना हुई, निवासाचार्य प्रभु जी ने पूरा अभिषेक आदि स्थापना आदि का कार्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अपने हाथ में लिया, और उस दिन फिर उस दिन महाप्रभु जी की आविर्भाव लीला तो थे ही, ठाकुर जी का पाठोत्सव भी था, और अभिषेक आदि के बाद में जो बधाई कीर्तन होता है, जो मुख्य कीर्तन होता है, वह सेवा की श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने, और उनके वो कीर्तन के सहयोगी देवीदास गौरांगदास बल्लभदास गोकुलदास। और जब कीर्तन प्रारंभ हुआ और नरोत्तम ठाकुर जी ने उस गनार हाटी कीर्तन का आलाप लेना प्रारंभ किया, ओह अति हो गई उस समय तो आनंद की। बस इससे अनुमान लगा लीजिए, कोई पागल की तरह रोने लगा, कोई पागल की तरह नाचने लगा, कोई बजाने लगा, और ऐसा जैसे नवद्वीप में महाप्रभु जी का कीर्तन प्रकट हो गया हो, ये खेतुरी में नहीं शिवास आंगन में निताई गौरांग का कीर्तन हो रहा हो, ऐसा कीर्तन प्रकट हो गया। और क्या अवस्था, वह सुबह का कीर्तन रात तक चल रहा है, उच्च स्वर में नरोत्तम ठाकुर जी गा रहे हैं, निवासाचार्य प्रभु जी श्यामानंद प्रभु जी रसिकानंद प्रभु जी पागल की तरह नृत्य कर रहे हैं भाव विभोर हो करके, और घेरा बांध करके बीच में तुलसी जी का बिरवा है, महाप्रभु जी के चित्रपट स्वरूप विराजमान है, नृत्य हो रहा है। बंधुओं उस कीर्तन में एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, सैकड़ों परिकर ही वहां विराजमान थे। उस कीर्तन में बंधुओं जब हा निताई गौर अद्वैत कह करके श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने पुकार की, उस कीर्तन में उस उत्सव में साक्षात रूप में श्री निताई गौरांग अद्वैत प्रकट हुए, आविर्भाव हुआ महाप्रभु जी का कीर्तन, और प्रकट में सबने देखा कि श्री महाप्रभु जी एक हाथ श्री नित्यानंद प्रभु जी के गले में डालकर, एक हाथ गदाधर प्रभु जी के गले में डालकर श्री अद्वैत प्रभु श्रीवास पंडित जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। साक्ष जबकि सब अंतर्धान हो चुके थे, अंतर्धान होने के बाद में पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, नारद जी कहते हैं ना, नारद जी से प्रभु कहते हैं मैं कहीं नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं वैकुंठ में भी नहीं रहता, पर मेरे भक्त जहां भाव विभोर होके गाते हैं वहां तो मैं रहता हूं। और वह अद्भुत घटना घटी, सबको प्रत्यक्ष, जितने महाप्रभु जी तो प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, अद्वैत प्रभु प्रकट हुए, जितने गौर परिकर अंतर्धान हो चुके थे वे सब उस कीर्तन में प्रकट हुए, और साक्षात रूप में प्रकट होके सबको अनुभूति हुई। जब तक श्री नरोत्तम ठाकुर जी गाते रहे आहा, तब तक महाप्रभु जी नित्यानंद की गर्भैया देकर कीर्तन में नित्य करते रहे, और गुरु आचार्य गणों के कीर्तन में अनुभव होता है महाराज, ये कीर्तन में कथा में जो विलक्षण आनंद आता है ना, कभी अनुभव करिएगा जीवन में, ये प्रभु की उपस्थिति से ही आता है। प्रभु उपस्थित होते हैं, जब कोई भक्त तन्मय होकर के गाता है, तन्मय होकर सुनाता है, अगर चित्त वृत्ति भटकी है तब तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रेम का संबंध चित्त की तन्मयता से है, और अगर वृत्ति ही बाहर बिखरी रहेगी तब तो क्या होगा।
लेकिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने जिस अवस्था में कीर्तन किया है, ओ साक्षात रूप में महाप्रभु का सबको दर्शन हुआ, और उनके पिताजी तो ऐसे पागल हो गए कि सारे घर की संपत्ति लुटाने लग गए। राजा थे, अक्षुण्य भंडार थे, जीवन भर कमाया ही कमाया था, आज उत्सव में अतुल संपत्ति उन्होंने लुटाई। जैसे नंद बाबा ने गोपाल के प्रकट होने पर संपत्ति लुटाई, राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव में वृषभान बाबा ने लुटाई, आज ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी के पिता ने अतुल संपत्ति लुटाई। कौन वर्णन करे कब तक वह उत्सव चला, और आखिर में कीर्तन करते 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 नरोत्तम ठाकुर महाशय मूर्छित होकर गिर पड़े। एक दिन लगातार 24 घंटे कीर्तन करते रहे, 24 घंटे सब लोग पागल की तरह नृत्य करते रहे, महाप्रभु जी का दर्शन होता रहा, और अगले दिन फिर जब वह कीर्तन शांत हुआ, लीला शांत हुई, सब मूर्छित होकर गिर पड़े। नरोत्तम ठाकुर जी भी मूर्छित रहे। तब किसी प्रकार आचार्य प्रभु ने उज्ज्वल नीर मणि के श्लोकों को सुना करके किसी प्रकार नरोत्तम ठाकुर जी को सचेत किया, और तब तो किसी प्रकार धीरज धारण हुआ, और फिर सबकी विदाई होने लगी, भेंट होने लगी, सबकी चरण वंदना हुई, सबको नए वस्त्र, जल पात्र, स्वर्ण रजत की मुद्राएं, भेंट, कितनी कितनी व्यवस्था, कितनी साधु सेवा हुई उसका वर्णन नहीं। और सब लोग उत्सव को संपन्न करके कभी न भूलने वाली स्मृतियों को लेकर के लौटे। लेकिन एक श्री रामचंद्र कविराज जी निवासाचार्य प्रभु जी की आज्ञा से नरोत्तम ठाकुर जी के पास ही रह गए, और इस श्री नरोत्तम ठाकुर जी के द्वारा किए गए खेतुरी महोत्सव का एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ कि जो कार्य श्री जीव गोस्वामी जी ने करने के लिए भेजा था नरोत्तम ठाकुर जी को, निवासाचार्य जी को, श्यामानंद जी को, सदग्रंथों का प्रचार प्रसार, कथा कीर्तन का प्रचार प्रसार, और चारों ओर वैष्णव भक्ति का प्रकाश, उस कार्य का इस महोत्सव के माध्यम से बड़े जोर शोर से प्रारंभ हुआ, और परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्री निवासाचार्य प्रभु जी से लोग दीक्षा लेने लग गए। वे याजिक ग्राम में भी रास्ते थे, श्यामानंद प्रभु जी उड़ीसा प्रांत में नाम प्रचार करने लग गए, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी खेतुरी ही रहे। उन्होंने अपने प्रचार का एक केंद्र तो बनाना होता है, प्रधान केंद्र वहां बनाया, और सर्वत्र उनके कीर्तन की, सत्संग की धूम मच गई, और सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग आकर के दीक्षित होने लग गए। अब इससे कि इतने लोग आकर के आश्रित हो रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, इससे जो कुछ विमुख लोग थे उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक था। और एक दूसरी बात जो एक बड़ी चर्चा चली कि नरोत्तम ठाकुर जी से बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण लोग भी दीक्षा लेने लग गए, और उस समय उस क्षेत्र में थोड़ा जातिवाद का खूब बोलबाला था। ब्राह्मण को दीक्षा लेने की मनाही नहीं थी, पर असुविधा क्या थी लोगों की समझ में कि नरोत्तम ठाकुर जी ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे, कायस्थ वंश में उत्पन्न थे, राजा के पुत्र थे। तो एक कायस्थ होकर के, निम्न वर्ण का कोई होकर के कैसे अपने से ऊंचे वर्ण वाले को दीक्षा दे सकता है, इस बात का प्रचार भी साथ साथ होने लग गया। और उस समय का जो ब्राह्मण समाज था वह नरोत्तम ठाकुर जी के विरुद्ध खड़ा हो गया, और योजना बनाने लगे, और उस आग में घी तब पड़ गया जब एक बहुत नामी ग्रामी ब्राह्मण के दो पुत्र, जिनका नाम था रामकृष्ण और हरि राम, इनके पिता का नाम था शिवानंद आचार्य, गणेशपुर के रहने वाले थे,
और उस समय प्राय जितने भी भारतवर्ष में ब्राह्मण थे वो प्राय सब देवी के उपासक थे, और बंगाल में तो ये प्रथा बहुत प्रचलित थी और वे लोग देवी की आराधना, और देवी की आराधना भी हिंसा वाली, पशु बलि वाली। तो इन शिवानंद आचार्य नामक ब्राह्मण ने अपने दोनों पुत्र रामकृष्ण और हरि राम को देवी को बलि देने के लिए बकरा लाने के लिए पद्मा नदी के उस पार भेजा जिधर खेतुरी था, नरोत्तम ठाकुर जी का धाम था। और ये दोनों युवक उस नामी ग्रामी देवी उपासक ब्राह्मण के पुत्र रामकृष्ण और हरि राम ये आए बकरा लेने के लिए, अगले दिन बलि दी जानी है। और संयोग से उस समय पद्मा नदी के तट पर बैठे हुए नरोत्तम ठाकुर जी सत्संग कर रहे थे। रामचंद्र कविराज जी थे और अनेक भक्त थे, और संयोग से सत्संग भी उस दिन ऐसा हो रहा था जहां पर नरोत्तम ठाकुर जी ने हिंसा वाली पद्धतियों की भत्सरना कर रहे थे, और जगत में एकमात्र वैष्णवी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, और जीव मात्र का कर्तव्य कृष्ण भक्ति है, जीव मात्र का परम चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, इस तथ्य का स्थापन कर रहे थे, इस सिद्धांत का। और नरोत्तम ठाकुर जी तो नरोत्तम ठाकुर, अब वो दोनों ब्राह्मण बालक जो बकरा लेने आए थे बलि के लिए, सोचे चलो थोड़ी देर बाद बकरा ढूंढ लेंगे, ले लेंगे, अभी थोड़ा सत्संग सुनते हैं। और महाराज वो दोनों बच्चे, दोनों युवक तो ऐसे बैठे सत्संग में बैठे ही रह गए, कोमल हृदय रहा होगा। नरोत्तम ठाकुर जी की वाणी से उनके हृदय का सब मैल धुल गया, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम तो जीवन में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, हमने तो अपना जीवन इतना व्यर्थ कर दिया, कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम दीक्षा के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है, और अब आज हमारे जीवन में सवेरा हुआ, हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब हम दीक्षित होकर के ही जाएंगे, एक एक दिन एक एक क्षण अमूल्य है। और दोनों भाइयों ने, एक भाई ने तो नरोत्तम ठाकुर जी से, और दूसरे भाई ने श्री रामचंद्र कविराज जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, और लौटे ही नहीं। फिर दीक्षा ग्रहण करके ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया, खेतुरी में रह गए। और नरोत्तम ठाकुर जी को तो चाहिए थे नव युवक जो भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करें, वहीं रह गए, वहीं उनसे भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करने लग गए, लौटे नहीं। और इधर उनके बिचारे पिताजी वो तो बलि देने के लिए बकरा की बाटी ही देखते रह गए, लौटे नहीं। तब उन्होंने अपने आदमी भेजे खोजने के लिए, कहाँ गए मेरे दोनों बेटे? पता चला अरे वो तो मस्तक मुड़वा चोटी रख तिलक लगा हरे कृष्ण कर रहे हैं, अरे ये क्या हुआ? और जो पता चला कि ऐसे ऐसे, अब जो दुष्ट लोग होते हैं ना उनको भक्ति से मिल मतलब नहीं, वो संत को साधु को भी उसके जाति वाचक नाम से पुकारते हैं, और शायद भक्ति मार्ग में इससे बड़ा अपराध नहीं है। अरे भक्तमाल जी का आप दर्शन करेंगे तो नाभा गोस्वामी जी ने जितने सम्मान से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए भक्तों का चरित्र गाया है, उससे भी अधिक सम्मान से किन्हीं रैदास जी का जो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, किन्हीं कबीरदास जी का जो जुलाहा कुल में उत्पन्न हुए, अरे किन्हीं सेन नाई जी का, किन्हीं सदना कसाई का चरित्र गाया है। तो यहाँ तो जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई, ये सब बातें तब तक लागू होती है जब तक भक्ति नहीं की, और भगवत शरणागत हो गए, वैष्णव हो गए, तो ये सब बातें निरस्त हो गई। लेकिन उन लोगों कहाँ समझ आती। अब उन दोनों ब्राह्मण बालकों के पिता ने समाज को जोड़ना प्रारंभ किया, अरे इस नरोत्तम ने कायस्थ होकर के ब्राह्मण को दीक्षा दे दी, ब्राह्मण तो जगत गुरु होता है, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण ऐसे होते हैं। और तब तो पूरा समाज खड़ा कर लिया, और नरोत्तम ठाकुर जी के प्रति एक विद्रोह तैयार कर दिया। अब
बहुत से लोगों को दुख हुआ, बहुत से लोगों के मन की हो गई। पहले तो शास्त्रार्थ की बारी आई, शास्त्रार्थ करने के लिए नरोत्तम ठाकुर जी से कहा गया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी तो सारे वेदों के पंडित, भक्ति ग्रंथों के आचार्य थे, तो सारे पंडित एक साथ मिलके भी परास्त नहीं कर पाए। तब क्या किया जाए? तब कुछ और षड्यंत्र करने लग गए। कितने कितने षड्यंत्र किए नरोत्तम ठाकुर जी को मारने के, पर वो भी सफल नहीं हुए। और नरोत्तम ठाकुर जी ने इन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जैसे हाथी गली में चलता है तो कुकर लोग अपना काम करते, पर हाथी हर भौंकने वाले से हिसाब किताब नहीं करने लग जाता। यदि वो हर कुकर से बात करेगा तब तो उसकी यात्रा स्थगित हो जाएगी। तो अपने चलने पर, अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। और दाएं बाएं तो जो है सो ठीक है, ये दुनिया कभी अपनी चाल नहीं छोड़ती। पर हम सच्चाई से अपने मार्ग पर लगे रहे, हमको तो यही जीवन में अनुभव हुआ है, हमारे इष्ट और गुरु हमारी रक्षा करेंगे, हम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़े, और फिर जो हो सो हो। तो चलते रहे। और अब कितने कितने ब्राह्मण, अब तो और उनमें एक बहुत बड़ा नाम था जो गंभीला ग्राम में रहते थे, उनका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती जी। इन्होंने भी श्री नरोत्तम ठाकुर जी का यश सुना था, और ये रामकृष्ण हरि राम नाम के जब इतने बड़े आचार्य के दो बालकों ने दीक्षा ली, तब सोचे एक बार नरोत्तम ठाकुर जी को श्रवण करें। और नरोत्तम ठाकुर जी का सत्संग तो ऐसा, कथा सो ऐसी, जो आके बैठ गया तो बैठ ही जाता था, फिर वो तो दीवाना ही हो जाता। फिर कभी तो नरोत्तम ठाकुर जी को छोड़ करके वो अन्य किसी का स्वप्न में भी विचार नहीं करता था, ऐसी अनन्यता दृढ़ हो जाती थी। तब वे गंगा नारायण चक्रवर्ती जी भी श्री नरोत्तम ठाकुर जी के चरणाश्रित हो गए। और जब बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण चरणाश्रित होने लग गए, दीक्षित होने लग गए, तब तो क्या कहना। और विद्रोह हुआ, पर उधर विद्रोह चलता रहा, उधर नरोत्तम ठाकुर जी की साधना चलती रही, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक बार उन्होंने उस क्षेत्र के राजा नरसिंह को अपने साथ में ला लिया, और कितने कितने शास्त्रार्थ की योजना बनाई, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी को तो कुछ करना नहीं पड़ा। श्री रामचंद्र कविराज जी ही सबका समाधान करे आए, और जाना ही नहीं पड़ा नरोत्तम ठाकुर जी को। तो बार बार वे परास्त होते रहे, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी की साधना, नाम प्रचार, ग्रंथ प्रचार, कथा सत्संग का वह महाअभियान गौर की कृपा से बढ़ता रहा आगे। तब तो ब्राह्मण जिस राजा को उकसाते थे अपने क्षेत्र के, नरसिंह नाम था उस राजा का, अरे उसके ऊपर ही नरोत्तम ठाकुर जी के प्रेम का प्रभाव हो गया, वो राजा ही भक्त हो गया नरोत्तम ठाकुर जी का। तब तो बेचारे सब ब्राह्मण लोग कहें क्या। एक और राजा था दूसरे क्षेत्र का, उसका नाम था चांद राय, उस पर भी नरोत्तम ठाकुर जी की कृपा हुई। वह चांद राय भी नरोत्तम ठाकुर जी का अनन्य भक्त हुआ, आश्रित हुआ। और तब तो चहुं और भगवत भक्ति का, निताई गौर हरि बोल का डंका बजने लग गया, चारों ओर भगवत भक्ति का प्रकाश हो गया। और इधर भीड़ भी बढ़ने लग गई, और नरोत्तम ठाकुर जी के एकांतिक भजन में थोड़ा विक्षेप होने लग गया, और नरोत्तम ठाकुर जी ने थोड़े समय में ही बहुत सारे प्रचारक भी तैयार कर दिए, भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले। खूब पढ़ाते थे, सबको समझाते थे और भेजते थे। पर अब जैसे जैसे अवस्था आपकी बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे अब आपकी एकांतवास की इच्छा होती थी। अब कहें तो किससे, एक रामचंद्र कविराज जी ऐसे थे जो बिल्कुल मन की गति को समझने वाले थे, उनसे कहा। और जहां विराजते थे नरोत्तम ठाकुर जी खेतुरी में, वहां से 2 मील दूर एक ऐसा स्थान था, रामचंद्र कविराज जी देखाए और नरोत्तम ठाकुर जी को कहा, ठाकुर महाशय
आपके एकांतिक वास के लिए वो स्थान सबसे अच्छा रहेगा। मैं तो भीड़ को यहाँ रोके रखूँगा, उलझाई रखूँगा, आप तक सब लोग नहीं पहुँच पाएंगे। आप दिशा निर्देश देते रहिएगा, नाम प्रचार का कार्य भी चलता रहेगा और आप अपने लीला रस में भी मग्न रहिएगा। तब खेतुरु से 2 मील दूर एक स्थान का निर्माण किया जिसको भजन स्थली कहते हैं। वहां पर श्री नरोत्तम ठाकुर जी विराजे और रहे तो उनके साथ रामचंद्र कविराज जी भी, पर फिर भी कविराज जी ऊपर की सेवा देख लेते। और अब धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर जी एकांतवास की ओर बढ़ने लग गए। और इधर तभी दारुण संवाद श्री वृंदावन से प्राप्त हुआ। श्री निवासाचार्य प्रभु जी को याजी ग्राम में के गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अंतर्धान हो गए हैं। इस चर्चा को कल हमने सुना था। तब निवासाचार्य प्रभु जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया और रामचंद्र कविराज को भी अपने साथ ले जाना चाहा, जिनको नरोत्तम ठाकुर जी को दे चुके थे। और पत्र लिखा नरोत्तम ठाकुर जी को कि आप यदि चाहो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, रामचंद्र कविराज को थोड़े समय के लिए भेज दो। अब आचार्य प्रभु की प्रार्थना थोड़ी, उनकी तो आज्ञा है। तब नरोत्तम ठाकुर जी को अब रोकने का प्रश्न तो नहीं था, पर ये तीनों महापुरुष एक प्राण तीन दे थे, बिना कहे एक दूसरे के हृदय की बात जानने वाले थे। रामचंद्र कविराज जी को जाने के लिए तो कहा, लेकिन रोते रोते अधीर हो गए, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर जी को यह अनुभव हो गया था कि निवासाचार्य प्रभु जी जो वृंदावन जा रहे हैं वो अब लीला का संवरण करने के लिए जा रहे हैं, और श्री रामचंद्र कविराज को भी जो साथ में लेके जा रहे हैं इसलिए, और अब पुनः मिलना शरीरों से नहीं होगा। तब बड़ी कठिनाई से वो रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर जी का बिछुड़ना भी बहुत मार्मिक है, जाने लग गए और रामचंद्र कविराज जी भी नहीं छोड़ सकते थे, पर गुरु की आज्ञा थी। तब चलते समय इतनी बात ही पूछी कि अब कब मिलना होगा, गुरुदेव न भेजे तो आप पत्र देके बुला लेना। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने भी आखिर में इतना ही कहा कि अधिक दिन तो हम आप लोग दूर नहीं रह पाएंगे, अब शीघ्र ही स्थायी रूप से कहीं मिलना होगा। तो रामचंद्र जी तो यही सोचे कि शायद नरोत्तम ठाकुर जी भी सदा के लिए वृंदावन आ जाएंगे, पर नरोत्तम ठाकुर जी का कहना था कि अब श्री जी की सेवा में ही मंजरी स्वरूप से स्थायी रूप में मिलना होगा। और बंधुओं, तीनों आचार्य नित्य निकुंज में श्री जी की मंजरी गण भी तो है। निवासाचार्य प्रभु जी मणि मंजरी है, श्री कविराज गोस्वामी जी करुणा मंजरी हैं, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी चंपक मंजरी है। तो उसी स्वरूप में कहा कि श्री जी की सेवा में मिलना होगा। और तब रामचंद्र कविराज जी चले गए और फिर निवासाचार्य प्रभु जी के साथ वृंदावन पहुंचे, पर फिर लौटना नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी किसी प्रकार उनके विरह में प्राणों को धारण किए रहे, आएंगे आएंगे आएंगे, पर निवासाचार्य प्रभु जी रामचंद्र कविराज जी नहीं लौटे। और उनके अंतर ध्यान होने का संवाद आया, तब कैसी स्थिति श्री नरोत्तम ठाकुर जी की हुई वो उनकी वाणियों से पता चलता है। तब नरोत्तम ठाकुर जी अत्यंत विकल हुए। और बंधुओं, ये जो नरोत्तम ठाकुर जी का दिव्य ग्रंथ है ना, नरोत्तम प्रार्थना, जिसको प्रेम भक्ति पाने का परम उपाय कहा जाता है, प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना, उनमें नरोत्तम प्रार्थना ग्रंथ इसी काल में प्रकट हुआ है। क्योंकि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, वो उसमें जो इतनी आर्त है,
जहाँ निवासाचार्य प्रभु जी के संग लाभ की, श्री रामचंद्र कविराज जी के संग लाभ की, सब आचार्यों के संग लाभ की कामना हो रही है, भगवत सेवा प्राप्ति की तो हो ही रही है कामना, तो इस काल में नरोत्तम प्रार्थना प्रकट हुई है। जिस काल में सब आचार्य अंतर ध्यान हो गए थे और स्वयं नरोत्तम ठाकुर जी के प्राण निवासाचार्य प्रभु और श्री रामचंद्र कविराज जी भी अंतर्ध्यान हो गए थे, ऐसी स्थिति में उनके मुख से आर्त निकली है। वह नरोत्तम प्रार्थना कोई रचना नहीं है, वह आर्त है, वह उद्गार है भक्त हृदय के, झनकृत करने वाले हैं वह उद्गार मन को। अपने हाथों प्राय सब वैष्णव खूब नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करते हैं और अपने यहाँ काफी समय से नरोत्तम ठाकुर जी की चर्चा, नरोत्तम ठाकुर जी के प्रार्थना की व्याख्या भी खूब लंबे समय तक चली। 5-6 वर्ष तक लगातार समय समय पर नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना के कभी एक पद, कभी दो पद, कभी तीन पद, उसकी बड़ी स्वांता सुखाए एकांत में विष्णु के बीच बैठ के चर्चा, अनेक समय तक वो चर्चा होती रही और अत्यंत आस्वादनीय है नरोत्तम प्रार्थना। वह नरोत्तम प्रार्थना रूपी धन इसी काल में प्रकट हुआ है। एक भक्त हृदय का सहज विरह, एक सेवा प्राप्ति की कैसी अभिलाषा होनी चाहिए, प्रकट हुई और उस प्रार्थना को गाते गाते एकदम आत्महारा हो गए। ओ महाप्रभु जिस भाव में कभी विराजे गंभीरा में, उस भाव का आस्वादन आपको होने लग गया। तब आपके जो परम प्रिय शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, अभी सुना उन्होंने गुरुदेव की अवस्था को देखा, तब अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि कुछ समय पहले नरोत्तम ठाकुर जी के माता पिता का भी देहांत हो गया था। तब गंगा नारायण चक्रवर्ती जी अपने ग्राम गंभीला में नरोत्तम ठाकुर जी को ले आए और उनकी विविध प्रकार से सेवा करने लग गए, पर नरोत्तम ठाकुर जी का विरह बढ़ता ही चला गया। उन गंगा नारायण ब्राह्मण की पत्नी नारायणी, उनकी बेटी प्रिया, ये सब सेवा में लगे रहे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी का विरह अत्यंत बढ़ गया और धीरे धीरे तो ऐसी अवस्था हो गई नरोत्तम ठाकुर जी की कि अब बोलना चालना बंद हो गया, एकदम मौन रहने लग गए। धीरे धीरे तो जलपान छूट गए, शरीर का हिलना डुलना समाप्त हो गया। बार बार सब लोग बुलाने की चेष्टा करें पर नेत्र बंद किए पड़े रहे। लगभग 15 दिन यही अवस्था रही और अंत में तो बिल्कुल बोलना बंद हो गया। वैद्य ने आकर के नबज देखी तो देखा नबज भी नहीं चल रही है। तब तो जितने शिष्य थे सब बिलख पड़े, गंगा नारायण चक्रवर्ती तो रोते रोते पागल हो गए, लेकिन गुरुदेव लीला अंतर ध्यान कर गए इतनी सहजता में, वो भरोसा नहीं हो रहा था। पर ठीक है, फिर ले जाने की तैयारी होने लग गई। अब शरीर छूट गया तो गंगा तट पर संस्कार होना है, ले जाया गया। लेकिन वे विरोधी ब्राह्मण जो राजा का शिष्य हो जाने के बाद में विरोध नहीं करते थे नरोत्तम ठाकुर का, क्योंकि उनको पता था अब राजा भी शिष्य हो गया और शास्त्रार्थ में भी नहीं जी सकते, तो मजबूरी में नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब उनको फिर बोलने का मौका मिल गया। क्यों बोले, गंगा नारायण चक्रवर्ती से आके देख लिया गुरु जी को, ब्राह्मणों को दीक्षा देने का अपराध। क्या बोले, अंतिम समय बोल बंद हो गए इनके, अंतिम समय बोलना बंद हो गया। इतने बड़े महापुरुष थे तो रामकृष्ण हरि कहते हुए भगवत धाम जाते ना, इतने समय से अचेत पड़े हैं, ये फल है जो अपराध किया है जीवन में, ये फल है अचेत पड़े हैं। अब ये बातें सोचिए गंगा नारायण चक्रवर्ती को कितनी चुभी होंगी हृदय में, बहुत पीड़ा हुई और समझाने की कोशिश करी कि मेरे गुरुदेव मौन है, अचेत हैं, बोलना बंद हो गया, अन्य अर्थ में न लो, वे लीला चिंतन में डूबे हैं, मेरे गुरुदेव परिकर हैं, साक्षात नित्यानंद हैं। पर संसार को तो समझाना मुश्किल होता है,
अब एक तो गुरुदेव के विरह का दुख और दूसरा उन विधर्मियों के बोलने का दुख, खूब चर्चा होने लग गई। देख लिया गंगा नारायण चक्रवर्ती के बड़े नरोत्तम ठाकुर बनते थे, बड़े कीर्तनकार बनते थे, कथा कहने वाले बनते थे, देखो अंतिम समय में क्या हुआ, देखो ये हुआ, देखो वो हुआ। अब दुनिया को तो जो बोलना है वो बोलेगी, चिता पर रखने की तैयारी हो रही है नरोत्तम ठाकुर जी के शरीर को, और वो लोग ये बोल रहे हैं। इतनी पीड़ा हो गई उनके शिष्य गंगा नारायण जी को, अत्यंत विकल हो गए, और अग्नि देनी थी, अग्नि रोक दी, और वहीं चिता पर नरोत्तम ठाकुर जी का शरीर रखा है, चरण पकड़ ली और विलाप करने लगे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। उस समय उनको देख के ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर वास्तव में किसी का आवेश आ गया है, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कहकर के हुंकार भरने लग गए, और चरण पकड़कर गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने जीवन भर अधमों का उद्धार किया है, आपने जीवन भर पतितों का उद्धार किया है, बार बार हमको संभाला है, हे गुरुदेव, एक बार और ये सब पढ़े लिखे अधम जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति में कुछ नहीं, भजन में कुछ नहीं, देख तेरे गुरु का मरते समय बोल बंद हो गया, एक बार उनका उद्धार कर दीजिए, ये मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, मुझे अपने शरीर का कष्ट नहीं पर ये गुरु निंदा करेंगे, बार 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 मेरे हृदय को अपार कष्ट होगा, तो या तो अभी आपके शरीर को अग्नि लगेगी तो मैं भी अग्नि में स्वाहा होऊंगा, अन्यथा आप प्रकट होकर के एक बार इन दुष्ट विधर्मियों को और समझा जाओ, उद्धार कर जाओ, मुझे पता है आप लीला में आविष्ट हो। और जब ऐसे पुकार की बंधुओं आश्चर्य होगा, नरोत्तम ठाकुर जी चिता के ऊपर से उठ बैठे, जीवित उठ बैठे, और वो जितना हुजूम था वहां पे, अब तो महाराज क्या हो, पागल जैसे हो गए। कोई गंगा नारायण चक्रवर्ती की जय बोलता है, कोई नरोत्तम ठाकुर की, कोई गंगा मैया की, कोई कृष्ण नाम की, कोई निवासाचार्य प्रभु की, कोई महाप्रभु की, और सारे ब्राह्मण आके चरणों में पड़ गए, और गंगा नारायण चक्रवर्ती को नरोत्तम ठाकुर जी उठा, क्यों रोता है, चल मैं ठीक हूं, और बलिहार शमशान से जीवित उल्टे घर लौटा है। और भैया ऐसी जो अद्भुत लीला हो गई, अब नित्यानंद है ना, तो सब कुछ संभव है। अब तो जितने वो विमुक्त थे, क्या क्या कह रहे थे, बच गए थे, पहले तो डर के मारे नहीं बोल पाते थे, शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, पर अब तो हृदय का मैल दूर हो गया, और उन समस्त ब्राह्मणों ने, समस्त निंदकों ने, पूरे परिकर ने, उस समय के पूरे समाज ने आकर के नरोत्तम ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया, सबने दीक्षा ग्रहण की, और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने फिर विशाल महोत्सव मनाया, खूब विशाल महोत्सव मनाया, और उसमें नरोत्तम ठाकुर जी ने खूब कीर्तन किया, कथा की, खूब नाम प्रचार किया, अनेक दिन तक विराजे। और बंधुओं, तब फिर अब लीला तो स्मरण करनी थी, एक बार वो जितने नए शिष्य बने थे ब्राह्मण, और पुराने तो कितने थे, असंख्य थे, कीर्तन हो रहा था, कीर्तन करते करते गंगा नारायण से बोले, अब तो तेरा सब संकट दूर हुआ ना? जी सरकार, अब आप ऐसे ही विराजो, अब ऐसी लीला मत करिएगा कभी। अच्छा तो ठीक है, ऐसी लीला नहीं करूंगा, पर मन है गंगा जी स्नान के लिए चले। अब जो आज्ञा गुरुदेव, सारे शिष्य राजी हो गए, जोर जोर कीर्तन होने लग गया, और नरोत्तम ठाकुर जी निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरि, यह कीर्तन करते हुए श्री गंगा तट पर आए, और परम प्रसन्न हो गए सब लोग, खूब कीर्तन हुआ गंगा तट पर, और फिर सबने स्नान के लिए प्रवेश किया गंगा जी में, तो सब शिष्य लोग भी गुरुदेव के साथ में गंगा जी में प्रविष्ट हुए, और गुरुदेव स्नान करते हैं तो शिष्य लोग घेरी लेते हैं उनको, स्नान कर रहे थे, स्नान किया,
और फिर आधे गंगा जल में श्री नरोत्तम ठाकुर जी बैठ गए आधे गंगा जल में। और जैसे बैठे उस समय जितने भक्त लोग थे वो चारों ओर घेरे ही थे, जोर जोर कीर्तन हो ही रहा था। और उस समय गंगा नारायण चक्रवर्ती जिनके यहाँ आए हुए थे उनको आज्ञा दी, तब वो गुरुदेव को नरोत्तम ठाकुर जी को मल मल के स्नान कराने लग गए शरीर को। एक दूसरे शिष्य थे रामकृष्ण और गंगा नारायण जी, एक दाहिना अंग एक बाया अंग, गंगा जल में बैठे हैं और मल मल करके शरीर को स्नान करा रहे हैं। और क्या देखते हैं कि गुरुदेव के शरीर को मल रहे हैं और जहां जहां से मलते हैं वहां से दूध दूध जैसा निकलता है, दूध दूध जैसा निकलता है। और आश्चर्यचकित सब लोग, अरे गुरुदेव का चिन्मय शरीर है, मैल नहीं है कोई, दिव्य दूध दिव्य द्रव्य निकल रहा है। लेकिन वे तो शरीर को मलते रहे गुरुदेव की इच्छा बंधुओं, और शरीर को मलते मलते ही गुरुदेव का शरीर जल बनकर दूध बनकर गंगा जी में प्रवाहित होने लग गया। और तब तो तेज गंगा जी की लहर आई, जितने शिष्य भक्त थे वो सब तो अपने स्थान पर रहे, पर गंगा जी की लहर श्री नरोत्तम ठाकुर जी को जल रूप करके अपने में लीन कर गई। श्री नरोत्तम ठाकुर जी जल रूप हो करके गंगा जी में विलीन हो गए। बंधु देखने वाले देखते रह गए, और फिर श्री नरोत्तम ठाकुर जी को किसी ने नहीं देखा। नरोत्तम विलास में वर्णन है, देहे किवा मार्जन करिवे परशिते, दुग्ध प्राय मिशाइला गंगार जलेते, देखिते देखिते शीघ्र हैल अंतरधान, अत्यंत दुर्गेय इहा के बुझिवे आन, अकस्मात गंगार तरंग उठिल, देखिया लोकेर महाविस्मय हैल। गंगा जी की धारा में विलीन हो गए। वह तिथि कौन सी थी? विक्रम संवत 1668, 83 वर्ष की उस समय नरोत्तम ठाकुर जी की अवस्था थी, विक्रम संवत 1668 में। और तिथि कौन सी थी बंधुओं? जो आज है तिथि, जिस दिन ये चरित्र कह रहे हैं, आज कौन तिथि है? कल चतुर्थी थी, आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, और आज नरोत्तम ठाकुर जी का तिरोभाव होता है। ऐसा संयोग बना कि उनकी तिथि पर ही उनके चरित्र को स्मरण, तो कार्तिक कृष्ण पंचमी को संवत 1678 में आपने अपनी लीला को स्मरण किया, गंगा जी में सौ शरीर विलीन हुए। लेकिन आज भी श्रीधाम वृंदावन में, अब शरीर तो उनका विलीन हो गया, लेकिन वृंदावन धाम में गोकुलानंद जी का मंदिर है राधा रमन जी के पास, वहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है। उन लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि के निकट ही आज भी नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि है। शरीर तो विलीन हो गया, पर उनकी आसन समाधि, रज समाधि, माला की समाधि वहां पर है। और उन नरोत्तम ठाकुर जी के निकट ही गंगा नारायण चक्रवर्ती, जिन्होंने सब सेवा की, अंतर्धान लीला में जो माध्यम बने, अंतिम काल में जिन्होंने सेवा की, उन गंगा नारायण चक्रवर्ती की भी समाधि है। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी के अनुगत्य में श्री नरोत्तम ठाकुर जी भजन कर रहे हैं। आचार्य रूप से आज भी महाभगवान विष्णु को दर्शन दे रहे हैं, और चंपक मंजरी जी के स्वरूप से तो अपनी गुरु सखी मंजुलाली मंजरी जी के अनुगत्य में प्रिया जी की सेवा में विराजमान है। आज ऐसे अद्वितीय
वैष्णवानाम अग्रगण्य श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के कृपा पात्र पंच तत्व में साक्षात नित्यानंद प्रभु जी के ही दूसरे स्वरूप इस जगत को नरोत्तम प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ देने वाले नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र को स्मरण किया। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है, प्रारंभ में कहा कि लुधियाना पंजाब में निवास करने वाली हमारी वैष्णव माता जी, दर्शन माता जी, आज आपके द्वारा मनोरथ है। तिथि बहुत अद्भुत है, अपने आचार्यों की तिथि पर आचार्य के चरित्र का स्मरण हो रहा है। माता जी तो बड़े बाबा के ही चरणाश्रित हैं, गौर कृपा धाम की ही परिकर हैं। आपके लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना, प्रिया प्रियतम के चरणों में, निताई गौरांग के चरण कमलों में करते हैं। आप वृद्ध अवस्था में महाप्रभु जी के चरणाश्रित हुई हैं, भजन सिद्ध हो, नाम की लगन लगी रहे और इस शरीर की जो सफलता है वह सफलता प्राप्त हो। श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो, तो माता जी के लिए और संपूर्ण परिवार के लिए भक्ति प्राप्ति की मंगल कामना करते हैं। माता जी के यहाँ हमने प्रारंभ में भी कहा कि कार्तिक में कथा थी, पर वो ये परिस्थितियाँ ऐसी हो गई तो वहाँ जाना संभव नहीं हुआ। पर उन्होंने कार्तिक मास में फिर एक दिन का मनोरथ कर लिया, बोले आगे तो कथा होगी ही आगे। तो बड़ी प्रसन्नता, बड़ी बड़ी मंगल कामना, सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की जय हो, आपके तिरुभाव महोत्सव की जय हो, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बो। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम, परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य
श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।